थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज के इस चौथे सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। भगवद गीता का जो हम 6 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं उसका आज चौथा सत्र है। और लेट मी शेयर द पीपीटी। कल के सत्र में हमने देखा था कि जीव किस तरह संसार में खुशी खुशियों की तलाश कर रहा है, और थोड़ा सा हमने कर्म के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि कर्म का सिद्धांत क्या है। आज हम कर्म का और डिटेल में डीप लेवल पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। और कल के थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए कुछ जो भी कल हमने पढ़ा है कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, तो आप चैट पे या अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। तो हमने जो कल पहला चीज देखा था वो था कि जो ह्यूमंस हैं मनुष्य हैं और दूसरे अलग अलग जानवर हैं उनमें कुछ समानताएं हैं लेकिन एक एक खास अंतर है। तो आप में से कोई बता सकता है कि वो खास अंतर क्या है एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में, मनुष्य और जानवरों के बीच में? हरे कृष्ण, आप टाइप कर सकते हैं चैट में। जानवरों के और मनुष्य के बीच में जो एक अंतर है, खास अंतर। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, जानवर और मनुष्य के बीच में खास जो अंतर है, जो हमने कल कलम आपसे सुना था कि मनुष्य में एक कॉन्शियसनेस रहती है, एक चेतना रहती है जिससे वो बाइफर्केट कर सकता है कि क्या सही है सर, क्या गलत है। और एक माता जी ने बताया भी था कि तो धर्म के बारे में कुछ मतलब वो इंक्वायरी कर सकता है, हायर कॉन्शियस। जी, जी तो बिल्कुल धन्यवाद पूर्वेश प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही बोला कि मनुष्य के अंदर जो धर्म है, धर्म ही मनुष्य और जानवरों को मतलब उनको एक सेपरेट करता है। नहीं तो आप देखेंगे कि जानवर की जो एक जीवन शैली है वो सिर्फ 4 चीजों के आसपास घूमती है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इन चारों के आसपास उसकी पूरी जिंदगी घूमती है। और मनुष्य भी सिर्फ इन चारों एक्टिविटी के आसपास ही अगर अपनी पूरी जिंदगी निकाल देगा तो उसमें कोई अंतर नहीं है। जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। तो ये तो हो गया मनुष्य और जो जानवर है उनके बीच के अंतर। इसके अलावा हमने देखा था कि जीवन के कुछ मुख्य जो हमने प्रॉब्लम्स देखी थी, जो मुख्य प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो सबको फेस करना पड़ता है, हर मनुष्य को फेस करना पड़ता है, वो 4 प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी? चैट पे भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, या अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं कि कौन सी 4 मुख्य समस्याएं हैं जीवन की जो सबके लिए है और कोई उससे बच नहीं सकता है। तो पहली प्रॉब्लम थी, कृष्णा, या हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी, जी, जन्म, मृत्यु और जरा और व्याधि। बिल्कुल सही। तो जरा पूर्वेश मतलब कि प्रभु वो बुढ़ापा है, और व्याधि का मतलब जरा मतलब जरा वृद्धावस्था वृद्धावस्था, और और व्याधि मतलब जहाँ पे रोग रोग, मतलब हर तरह की जो बीमारियां हैं। तो जन्म, बीमारियां। मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सबको भोगना पड़ता है। जन्म और मृत्यु तो श्योर शॉट है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित ही निश्चित है, और बुढ़ापा को हम रोक नहीं सकते, और कभी ना कभी हमको कुछ ना कुछ बीमारियां होती हैं। तो ये 4 चीजें हैं जो रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ हैं। तो इन सबसे हमें मुक्ति, जब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे तब तक हमें इससे मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि हम पुण्य कर्म करके स्वर्ग चले जाएंगे तो हमको वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं झेलने पड़ेंगे। स्वर्ग में जीवन बहुत लंबा हो सकता है, वहाँ का जीवन का स्टैंडर्ड, हमारी जो देह मिलती है वो ज्यादा अच्छी हो सकती है, लेकिन ये 4ों चीजें वहाँ पे भी रहती हैं। इवन ब्रह्म लोक तक ये सारी चीजें रहेंगी और नारकीय लोक में भी ये सब चीजें रहेंगी। तो इन सब से, जन्म मृत्यु की साइकिल से अगर हमको निकलना है तो हमें, और हम जिस आनंद की तलाश कर रहे हैं शाश्वत आनंद की, वो हमें जब तक ये 4 चीजें रहेंगी तब तक हमें वो शाश्वत आनंद भी प्राप्त नहीं होता है।
क्योंकि हम जो एक आत्मा है वो सच्चिदानंद है, उसका स्वभाव है हमेशा एटर्नल रहना, और दूसरा है उसको नॉलेज, नॉलेज चित्त का मतलब नॉलेज, और आनंद मींस जो खुशी ढूंढता है, आनंद यानी हमेशा प्लेजर सीकिंग हमारा नेचर है कि हम हर चीज में आनंद देखना चाहते हैं, खुशियां ढूंढना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे उसको किसी चीज में परमानेंटली मिल नहीं पाती है, इसलिए व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हमारे समस्याओं का कारण क्या है, समस्याओं का कारण है अटैचमेंट। जब हम अटैचमेंट मोह में हम बहुत ज्यादा किसी चीज के प्रति अपना मोह लगा लेते हैं, तब हमको दुख का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि कैकेयी कितने मोह में थी और बाद में अपने बेटे को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे भरत ने स्वयं सन्यासी जैसा जीवन बताया 14 साल, और राम भी 14 साल वनवास होके आए, तो उनको बहुत पीड़ा झेलनी पड़ी, बहुत उनको गिल्ट फीलिंग हुआ। तो अटैचमेंट से बहुत हमें तकलीफें आती हैं, दुख का सामना करना पड़ता है, और वैराग्य जब हम में आता है तो वैराग्य में हम डिटैच होते हैं चीजों से, तो हम इसके सहारे हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम सारी चीजें छोड़ दें और साधु बन जाएं या जंगल चले जाएं। वैराग्य का मतलब है डिटैचमेंट, चीजों को हम उतना अटैच ना रहें, और हम तभी इन चीजों से वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं जब हम भगवान से जुड़े, क्योंकि मनुष्य का नेचर है जो वो हमेशा आनंद की खोज कर रहा है, तो उसको जब हायर आनंद मिलेगा, हायर खुशी मिलेगी भगवान की सेवा करने में, भगवान के साथ प्रेम में, तभी वो इन सब चीजों से मुक्ति पा सकता है। अब भगवान से उसको प्रेम किस जो बोल रहा था कि किस तरह से उनको आनंद मिल सकता है, क्योंकि भगवान हमारे स्रोत हैं। जो जीव आया है इस संसार में वो भगवान का ही एक अंश है, भगवान का ही एक शक्ति है, तो जब वो अपने स्रोत से साथ जुड़ता है योग के थ्रू, भजन कीर्तन से, चैंटिंग से, सेवा से, तभी उसको बस आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान को नाम जो राम नाम है भगवान का, राम राम का अर्थ होता है सुप्रीम एंजॉयर। एक तो भगवान परम भोक्ता है, और दूसरी बात है कि दूसरों को प्लेजर देने वाला यानी दूसरों को आनंद देने वाला, राम नाम के दो अर्थ हैं, एक तो परम भोक्ता और एक दूसरा अर्थ है कि जो दूसरों को आनंद देता है, तो भगवान में ये क्वालिटी है, तो इसीलिए जीव हमेशा भगवान के साथ ही खुश रह सकता है। ये सब चीजें हमने कल देखी थी, और भगवान से कैसे किस तरह से हम जुड़ सकते हैं उसके लिए हमने देखा था कि जप का हमने देखा था कि किस तरह से हम जप के थ्रू भगवान से जुड़ सकते हैं। हमने थोड़ी देर कल जप भी किया था, तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता है भगवान के साथ संबंध बनाने का। ABCD हमने चार चीज देखी थी कल। ए मीन्स एसोसिएशन यानी साधु संघ, सत्संग अच्छे लोगों के साथ संग करना। उसके अलावा हमने देखा था बी से बुक्स यानी बुक्स पढ़ना, जो भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं या और दूसरे शास्त्र पढ़ते हैं। सी से चैंटिंग यानी जप करना, और डी से डाइट यानी सात्विक भोजन करना, भगवान को भोग लगा हुआ भोजन करना, भगवान का प्रसाद खाना। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, यानी भगवान की कृपा, भगवान ने हमको जो हम जब भोजन भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान उसमें अपनी कृपा का प्रभाव करते हैं, और फिर जब हम वो भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे कॉन्शियसनेस में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत शुद्ध होता है हमारा मन। तो भगवान को भोजन अर्पण करने में भगवान कृपा कैसे करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा रहता है, जब वो अपने पिता से कोई चीज मांग के लेता है, पिता उनको चॉकलेट दिलाते हैं या कुछ चीज दिलाते हैं, वही बच्चा जब अपने चॉकलेट में से थोड़ा हिस्सा पिता को खाने को देता है तो पिता कितना खुश होते हैं। उनको चॉकलेट खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बच्चे का प्रेम देखते हैं कि अरे देखो वो मुझको देना चाह रहा है, मेरे साथ शेयर करना चाह रहा है, तो बहुत खुश होते हैं। इसी तरह भगवान भी, जब हम उनको, भगवान ने ही हमको सब कुछ दिया है, लेकिन जब हम उसी में से भगवान को कुछ अर्पण करते हैं भोजन के रूप में, भोग लगाते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा उसमें देते हैं। तो ये सब चीजें हमने कल देखी थी। और कर्म में हमने देखा था कि किस तरह से लॉ ऑफ कर्मा है कि जो हम करेंगे जैसा वैसा ही हमको फल मिलेगा, और एक छोटा सा वीडियो भी हमने देखा था कि डेस्टिनी और कर्म में क्या फर्क है। डेस्टिनीज जो हैं वो सिचुएशंस हैं, फेवरेबल या अनफेवरेबल सिचुएशंस, तो दोनों तरह की सिचुएशंस हमारे जीवन में आ सकती हैं पुराने हमारे जो भी कर्म किए हैं उसके आधार पे, और फिर उनका हम सामना किस तरह से करते हैं इससे हमारा फ्यूचर डेस्टिनी बिल्ड होता है।
फ्यूचर डेस्टिनिटी का डेस्टिनी का एक स्वरूप बनता है। तो ये सब हमने कल देखा था, आज का हमारे जो चर्चा का विषय है वो देखते हैं। तो यही सब चीजें हमने डिस्कस करी अभी अभी। आज हम कर्म में और थोड़ा डीप लेवल पे जाके देखेंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से कर्म काम करते हैं। तो इनको थोड़ा समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू, स्टोरी के थ्रू हम ये समझेंगे। कोई म्यूट नहीं है, कृपया म्यूट कर लें। तो वाल्मीकि मुनि को तो आप सभी जानते होंगे, कोई चैट में लिखेंगे कि वाल्मीकि मुनि किस लिए प्रसिद्ध है, या फिर टाइप करेंगे, या फिर आप बोल भी सकते हैं किस लिए वाल्मीकि मुनि इतने प्रसिद्ध हैं। रामायण के लिए, तो रामायण के लिए माता जी ने लिखा रामायण के लिए। तो रामायण जब वाल्मीकि मुनि ने लिखी, लेकिन ऋषि बनने के पहले वाल्मीकि अपने जो जीवन के पहले काल में, वो एक रत्नाकर नाम के एक डाकू थे, और वो शिकार भी करते थे जानवरों का, और रास्ते में जो भी मिला उसे लूट के अपना जीवन निर्वाह करते थे अपने परिवार का। और इस तरह से वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, मतलब बहुत ही पाप भरा जीवन निर्वाह कर रहे थे, लोगों को मारते थे, चीजें छीन लेना उनसे, जानवरों को मारना, इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। लेकिन एक बार रत्नाकर जंगल जा रहे थे अपना काम करने के लिए, जिस तरह का कार्य वो करते थे वही करने के लिए, और उसके बाद जब आपने नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे, वो जंगल से बाहर निकल रहे थे नारद मुनि और रत्नाकर जंगल के अंदर जा रहे थे, तो नारद मुनि ने जब इनको देखा तो नारद मुनि की इच्छा हुई कि इस व्यक्ति पे कृपा की जाए। और नारद मुनि क्योंकि एक परम वैष्णव है, वो भी बहुत हमेशा जहां भी जाते हैं भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, नारायण नारायण का नाम लेते रहते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि रत्नाकर जंगल जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको रोक के पूछा कि आप कौन है और कहाँ जा रहे हैं। तो रत्नाकर ने उनको बताया कि भाई मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, मैं एक डाकू हूँ और मैं लोगों को लूटता हूँ, इसी से मेरा घर चलता है। तब उन्होंने बोला कि आप ये सब कार्य क्यों करते हैं, आप कुछ और कार्य क्यों नहीं करते। तो बोलते हैं मुझे कुछ और आता नहीं है और इसी से मेरा परिवार चलता है। तो उन्होंने बोला आप अपने परिवार को चलाने के लिए ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने अपने परिवार वालों से ये पूछा है कि आपके जो कर्म आप ये जो बना रहे हैं इस तरह से, इसमें क्या वो भागीदार बनने चाहेंगे, अगर उसका रिएक्शन शेयर हो सकता है तो क्या वो शेयर करेंगे। तो रत्नाकर को थोड़ा सा डाउट आ गया उनके मन में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अपने घर वालों से पूछता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरा जो भी मेरे कर्मों का परिणाम होगा वो उसको मेरे साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब वो घर गए और अपने पत्नी से, अपने घर के और लोगों से ये बात कही, तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना, तुम किस तरह से हमारा पालन पोषण करते हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसका जो भी रिजल्ट है वो तुम्हारा ही है, हमारा कोई रिजल्ट नहीं है उसमें, हम तो तुम्हारे अधीन है, तुमको हमें पालन पोषण करना पड़ेगा। इसे सुन के रत्नाकर को बहुत धक्का लगा, और उसे लगा कि मैं इनके लिए सब कर रहा था, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी रिजल्ट इसका जो भी होने वाला है उसको शेयर करने को तैयार नहीं है। तब रत्नाकर का हृदय परिवर्तन हो गया, अब उनको लगा कि मैं वापस नारद मुनि के पास जाता हूँ और पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने इतने पाप कर लिए अब मैं क्या करूँ। तो इस तरह से वो वापस नारद मुनि के पास गए, और नारद मुनि ने उनको उन्होंने जब नारद मुनि से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो नारद मुनि ने बोला कि तुम अपना ये जो कर रहे हो ये सब छोड़ दो और भगवान के नाम का जाप करो। तो लेकिन रत्नाकर जब उनको जाप करने के लिए बोला गया, तो रत्नाकर से राम नाम का उच्चारण नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने ज्यादा उनके पाप कर्म हो गए थे कि वो राम नाम भी नहीं जप पा रहे थे। इससे एक बात पर हमको समझना चाहिए कि आज हम यहाँ पे बैठ के कथा सुन पा रहे हैं या हम भगवान का नाम जप पा रहे हैं,
तो ये हमारे पुराने बहुत सारे जन्मों के अच्छे अच्छे कर्मों का फल है कि आज हम राम नाम जपने का, भगवान का नाम जपने का सोच भी पा रहे हैं, कृष्ण का नाम जपने का सोच भी पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। क्योंकि जो ये भी एक तरह की सुकृति है जो सबके पास नहीं होती है, तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आप जो सब कर पा रहे हैं, कथा सुन पा रहे हैं, भगवान का नाम जप पा रहे हैं। और इसमें एक और लेसन ये है कि जो नारद मुनि है, नारद मुनि का थोड़ी देर का एसोसिएशन से रत्नाकर का पूरा लाइफ चेंज हो गया। आगे जाके उनको इतनी प्रसिद्धि मिली कि ब्रह्मा जी खुद उनके पास आए और उनको बोला कि आप रामायण का रचना कीजिए। और जब राम भगवान स्वयं थे उस समय वाल्मीकि ने रामायण लिखी, ऐसा नहीं हो कि बाद में लिखी रामायण वाल्मीकि ने, और ब्रह्मा जी ने उनको बोला था कि जो पहले घटनाएं हो चुकी हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी और जो आगे होने वाली हैं वो भी आपके मन में आपको पता चलेंगी, आप लिखना शुरू कीजिए। तो इस तरह से इतने महान हो गए कि ब्रह्मा जी खुद आके उनको बोले कि आप रामायण लिखिए। तो ये सुकृति कैसे आई नारद जी के थोड़े से एसोसिएशन से? तो शास्त्रों में कहा गया है कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। मीन्स साधु संग, सारे शास्त्र बोल रहे हैं कि आप साधु का संग कीजिए, अगर आपको प्रगति करनी है तो साधु का संग कीजिए, संत का संग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, क्योंकि उनका 1 मिनट का जो एसोसिएशन है उससे भी आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर का एसोसिएशन का नारद मुनि से, वो एक बहुत ही पापी व्यक्ति थे उस समय रत्नाकर, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन परिवर्तन कर लिया, और उनके भगवान का नाम जपने से उनके जो कर्म थे कर्म फल नष्ट हो गए। क्योंकि जब भी आप भगवान को सरेंडर करते हैं तो आपका कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने जैसा गीता में 18.66 में कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने यही कहा है कि तुम मेरे मुझको समर्पण करो और मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, सिर्फ तुम सरेंडर करो। तो इस तरह से रत्नाकर ने अपने सारे कर्म फल नष्ट कर दिए और वाल्मीकि ऋषि बने। यहीं पे एक और स्टोरी हम देखेंगे, छोटा सा स्टोरी है, वो शूर्पणखा का है। जैसा कि आपको मालूम है कि जब राम भगवान वनवास में थे नासिक में, और उस समय शूर्पणखा वहां पे आई वन में घूमते घूमते, और वहां पे शूर्पणखा ने भगवान राम को देखा और मोहित हो गई कि इतना सुंदर पुरुष यहाँ पे विचरण कर रहा है, इससे तो मेरी विवाह होना चाहिए। और जब उन्होंने अपना रूप चेंज कर लिया, क्योंकि वो राक्षसी थे उनके पास शक्ति थी, और रूप चेंज करके जाके बहुत सुंदर स्त्री बन के जाके भगवान राम से कहा कि आपको तो मेरे साथ शादी करनी चाहिए, मैं इस पूरे जंगल की इस एरिया की रानी हूँ, हम दोनों अच्छे से रहेंगे। तब राम जी ने बोला कि मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ तो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। और जब उन्होंने देखा कि सीता को देखा, उन्होंने बोला इस स्त्री के कारण ये मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो सीता जी पे अटैक करने गई, उनको आक्रमण कर दिया। तब लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी और वो भाग गई वहां से। तो उनके मन में जो भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ था, उसके बाद उन्होंने हालांकि अपना राक्षसी गुण दिखाया और इस तरह हमला किया, लेकिन जो प्रेम जागृत हुआ था उस कारण से उनकी जो इच्छा थी उसके कारण वो अगले जन्म में कुब्जा के रूप में जन्म लिया उन्होंने। और जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए तब कुब्जा वहां पे कंस के दरबार में रोज चंदन का लेप लेके जाती थी कंस के लिए, और जब कृष्ण वहां पे पहुंचे थे कंस का वध करने के लिए, तब वो नगर घूम रहे थे। उसके पहले कंस ने जब उनको बुलावा भेजाया था तब वो नगर घूम रहे थे और वहां पे उन्होंने कुब्जा को देखा, और कुब्जा उस टाइम उनका पीठ काफी झुकी हुई थी, एक कुबड़ उठा हुआ था और बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, लेकिन उनसे भगवान से मिलने की जो इच्छा थी उनकी शूर्पणखा के जन्म के उस जिस काल में जब उन्होंने इच्छा करी थी, वो इच्छा पूर्ति के लिए भगवान उनसे वहां मिलने आए और उनका उनको उनका हाथ पकड़ के उनकी कमर सीधी कर दी और उन्हें एक बहुत सुंदर रूप दिया और वो बहुत सुंदर स्त्री बन गई। तो इस तरह से
उनकी एक जो डिजायर थी वो भगवान ने यहाँ पे पूरी करी। तो डिजायर्स भी हमारी जो रहती हैं, हमको बहुत सोच समझ के डिजायर्स करनी चाहिए, क्योंकि डिजायर्स क्या है, कर्म का बीज है। जब तक हमें डिजायर नहीं तब तक हम कर्म नहीं करते हैं। तो जो डिजायर जब बीज कभी कभी जाके क्या बोलते हैं उसको, अंकुरित हो जाता है और पेड़ बनता है, तो डिजायर्स को भी हमको बहुत संभल के इच्छा करनी चाहिए। इसी तरह पूतना का भी होता है, एक प्रसंग आता है पूतना का, कि पूतना अपने पहले जो उनकी लाइफ थी, पहले जीवन में जब वामन अवतार हुआ था, तो वामन देव ने 3 पग में बलि महाराज से पूरा संसार मांग लिया था, पूरा ब्रह्मांड ले लिया था, और 3रे पग उनका उनके सिर पर रख दिया था। उस प्रसंग में बलि महाराज की बहन थी रत्नमाला, तो जो रत्नमाला थी, जब शुरू में जब वामन देव आए हाथ में छत्री पकड़ के कमंडल लेके, और इतने सुंदर लग रहे थे वो छोटे से बालक, उनको देख के रत्नमाला के मन में वात्सल्य प्रेम जागृत हो गया, और उन्होंने बोला कि ये कितना प्यारा बालक है, मैं इसको दूध पिलाना चाहती हूँ। लेकिन थोड़ी देर में वहां पे पूरा सीन चेंज हो गया, और उन्होंने देखा कि अरे ये बालक तो भगवान विष्णु है, और उन्होंने 3 पग में मेरे भाई से सब कुछ छीन लिया। तो उन्होंने बोला मेरा बस चलता तो मैं इसको मार डालती। तो ये उनके दो विरोधाभासी विचार उनके मन में आए, और उनको अगला जन्म पूतना का मिला। तो पूतना का आप जानते हैं कि किस तरह वो विष लगा के गई थी, उनको दूध पिला के मारना चाहती थी। मेरी ना 9:30 तक की क्लास है। किस तरह से वो अपना दूध पिला के, विष मिला दूध पिला के भगवान को मारना चाहते थे। तो इस तरह से जो इच्छाएं हैं वो हमें अपने अगले जीवन में भी कभी कभी उनका इफेक्ट होता है। तो बहुत संभल के हमें इच्छा करनी चाहिए। तो अगला जो चीज हमको समझना है कि मनुष्य कर्म रस्सियों से क्यों बंधे, ये कर्म का जो लॉ है, कर्म का जो सिद्धांत है वो क्यों है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो जानवर है उनके ऊपर कर्म का सिद्धांत नहीं होता है। जानवर के जीवन में जो हमारे जो भी कर्म है वो नष्ट होते हैं, पूरे कर्म नष्ट होते हैं। क्योंकि जो मनुष्य जीवन है उसमें हमारे पास हायर कॉन्शियसनेस है, ऊंची चेतना है, और तर्क का भावना रहती है, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं चीजों के बीच में। इसलिए इन चीजों के कारण हमारे पास हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट है या जो ऑफिसेज और भी हैं, प्राइवेट ऑफिस, उसमें जितना आप ज्यादा ऊपर जाएंगे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ता जाता है। पोस्ट जितनी हायर पोस्ट रहती है उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जाता है, और ऊपर पोस्ट पे ऐसे आदमी को बिठाते हैं जो बहुत बुद्धिमान है या जो डिसीजन ले सकता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा रहती है। इसी तरह जो मनुष्य जीवन है वो जानवरों से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ज्यादा है, और कर्म केवल मानव जीवन में उत्पन्न होता है, हम जनरेट करते हैं। बाकी जो योनियां हैं उसमें हम अपने जो कर्म जनरेट किए उनके फलों को नष्ट करते हैं। जैसा यहाँ पे लिखा है, मानव निचली योनियां बुरे कर्म को नष्ट कर रही है, मानव जन्म की ओर बढ़ रही है। तो धीरे धीरे जब हम निचली जातियों में जाते हैं उसके बाद हमारे कर्म नष्ट होते होते धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस, जो नेचुरल इवोल्यूशन होता है एक कॉन्शियसनेस का, छोटे जीव से हम बड़े जीव में आते आते 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए वापस मनुष्य की ओर जाते हैं। तो इसलिए हमको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम फिर फिसल गए यहाँ से, फिर जानवरों की जन्म में गए, तो पता नहीं कब हमें वो दोबारा से मनुष्य जीवन मिलेगा और वो मौका मिलेगा कि हम भगवान को जान सकें, अपनी पहचान को जान सकें, और यहाँ से मुक्त होने का रास्ता देख सकें। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी इच्छाएं, कार्य और प्रतिक्रियाएं हमारा भविष्य है। हम जिस तरह के भी इच्छा करते हैं, जैसे हमने देखा कुब्जा के और पूतना के केस में, हमारी इच्छाएं से हमारा भविष्य बनता है। इच्छाओं के बाद हम उस इच्छाओं को कार्य के रूप में परिवर्तित करते हैं, और उससे हमारा भविष्य का निर्माण होता है। मानव जीवन सबसे अच्छा है क्योंकि हम ये आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए उच्च बुद्धि प्रदान करता है। ब्रह्म सूत्र और वेदांत है, जब वेद लिखे गए उसके बाद वेद इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बड़े थे कि अब उनको पढ़ना लगभग असंभव हो रहा था। तो
द्वापर युग के अंत में वेदव्यास ने उनको विभाजित किया चार भागों में, और साथ में उनको ये भी समझ में आया कि कलयुगी लोग इन चारों को भी पढ़ने का उनको बहुत दिक्कत होगी, तो उन्होंने वेदांत सूत्र लिखे जिसमें पूरा निचोड़ था वेदों का, उनका समरी करके वेदांत सूत्र लिखे। तो वेदांत सूत्र में सबसे पहला जो बात कही गई है वो ये कही गई है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी नाउ इज द टाइम, अभी समय है, आपको मनुष्य जन्म मिला है, अभी ब्रह्म जिज्ञासा यानी भगवान के बारे में जिज्ञासा करने का समय है, क्योंकि इसी जीवन में आपको ये प्राप्त हो सकता है, मनुष्य जीवन में और किसी जीवन में नहीं। तो अभी जिज्ञासा कीजिए, मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर कौन है, ये पूरा जगत क्या है, मैं यहाँ पे क्यों फंसा हूँ, यहाँ से बाहर निकलने का क्या रास्ता है, ये इसी जीवन में पॉसिबल है, तो हमको ये इंक्वायरीज करनी चाहिए। और हमारे जीवन का जो भी स्टैंडर्ड है, स्वास्थ्य है, धन बुद्धि शारीरिक बनावट के संदर्भ में हमें पिछले कर्मों और कार्यों के हिसाब से हमको हमारे इस जीवन की स्थितियां मिलती हैं। तो हमारे अच्छे या बुरे कर्म ही हमारे अच्छे या बुरे भविष्य का निर्माण करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। हमको कई बार लगता है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों पीड़ित हूं, क्योंकि हम अपने पुराने, क्योंकि हमको अभी इस जीवन के बारे में ही लगता है कि मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है और मैं तो अच्छे से रहता हूँ, फिर भी ऐसा हो रहा है, वो दूसरा व्यक्ति कैसा कैसे काम करता है फिर भी उसको फायदा हो रहा है। तो ये एक बात हमको कभी लगती है कि वाई गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल और वाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो ये तो वही बात हो गई कि जैसे इसका एक एग्जाम्पल दूंगा कि क्रिकेट मैच होता है, तो टेस्ट मैच जब होता है तो टेस्ट मैच में सोचिए हम आखिरी दिन जाएं और देखें कि एक टीम तो अभी इनका इनिंग शुरू हुआ और पहले ही ये 400 रन पीछे हैं, ऐसा कैसे हो गया कि अभी तो इनका पहली इनिंग आई और ये 400 रन कैसे पीछे हो गए, अभी तो 0-0 स्कोर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि नहीं, वो दूसरी टीम ने पहले के दिन में ही सब बैटिंग कर ली है, अभी ये दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, जो भी दिन है, तो उसके पहले। इसी तरह हमारा जो जन्म है, तो हम इसी जन्म को देख के हम सोचते हैं कि मैं पीछे क्यों हूँ, वो आगे क्यों है, या वो व्यक्ति का इतना ज्यादा समृद्ध हो रहा है और मैं जो अच्छा कर रहा हूँ तो भी बुरा हो रहा है, क्योंकि हम पास्ट लाइफ्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हमारे जो पास्ट लाइफ हम भूल जाते हैं। और ये भी एक तरह से कृपा है भगवान की कि हम अपनी पास्ट लाइफ भूल जाते हैं, क्योंकि इतने सारे अलग अलग योनियां हैं, इतने सारे इंसिडेंट होते हैं, हम अपनी इसी लाइफ को लेके इतने परेशान रहते हैं, अगर वो सारी लाइफ भी हमको याद रहेंगी तो हम एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा कि मैं शेर हूँ, चीता हूँ, जानवर हूँ, पेड़ हूँ, मैं हूँ क्या आखिर में। तो इसीलिए हमारे को जो ये मेमोरी हमारी है, ये हमें इसके केवल इसी जीवन की चीजें याद रहती हैं, नहीं तो हमारे लिए जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा। और हमने देखा इसी तरह से हम हर जीवन में स्ट्रगल करते हैं और फिर हम मर जाते हैं, फिर नया जन्म होता है, फिर हमको लगता है कि जीवन बहुत कठिन है, दुख है, ये तकलीफ है, फिर हम मर जाते हैं, और इसी तरह से ये साइकिल चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो कितनी देर तक हम इसी तरह फंसे रहेंगे, 84 लाख योनियों के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसके लिए हमको ये अध्यात्म के ऊपर जरूर विचार करना चाहिए और अपना जीवन को सफल बनाना चाहिए, भगवान के साथ जोड़ के और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु जी, जी माता जी, ऐसे देखा जाएगा तो गृहस्थ जीवन में तो कर्मों में तो बंधे ही रहेंगे हम लोग, तो वही बता रहा हूँ मैं आपको कि आगे आगे हम वही चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम वो कार्य कर रहे हैं जिससे कर्म जनरेट ना हो, इसके आगे वही टॉपिक आने वाला है। तो आत्मा, जैसे हम आम के बीज बोते हैं तो आम का पेड़ उगता है, उसी तरह हम अपने कार्यों को चुन चुन के शानदार भविष्य लिख सकते हैं। तो भगवत गीता में यह कहा गया है 8.5 श्लोक में, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। भगवान बोल रहे हैं अंतकाले च मामेव, मीन्स अपने जीवन के अंत में जो कोई सिर्फ मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं है। भगवान ने यहाँ पे क्लियर बोला है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवन के अंत में अगर आप मेरा स्मरण करोगे
मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करोगे तो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाओगे, यानी तुरंत आप मुक्त हो जाओगे, मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब हमारा मृत्यु आती है उस समय हम इतने मोह में रहते हैं, अपने बच्चों के मोह में, अपने प्रॉपर्टी, अपने बिजनेस के, और इतनी सारी चीजें रहती हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा जीवन है उसी में जाता है। और उस समय भगवान का स्मरण करना बहुत मुश्किल है। हमें आखिरी टाइम पे अपने बच्चे का चेहरा याद आता है, अपने घर वालों का चेहरा याद आता है, लगता है मेरे बाद मेरे बिजनेस का क्या होगा, अरे मेरा शरीर छूट रहा है। उस समय जब अगर हमने प्रयास शुरू से प्रैक्टिस नहीं किया है भगवान का नाम लेने का, जिस तरह आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट खेलते हैं वो नेट प्रैक्टिस करते हैं, एक ही शॉट की प्रैक्टिस करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो जाएंगे मैच खेलने के लिए तब उनको वो शॉट मारना पड़ता है, प्रेशर रहता है उस टाइम, चारों तरफ से शोर होता रहता है, बॉलर भी उनको इस तरह से डालना चाहता है बॉल कि वो ना मार पाए। लेकिन अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं रहेगा उनका, तो वहां पे जाके उनसे खेलना नहीं होता है। इसी तरह हमको भी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनका हमको नियमित रूप से उनका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आखिरी में जाके स्मरण करना बहुत मुश्किल का बात है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई हमसे हमारी उंगली मांगे, उतना उंगली कोई हम बोलेंगे तो हमको कितना मोह आ जाता है, मेरी उंगली कैसे दे सकता हूँ अपनी, और आखिरी में तो हमारा पूरा का पूरा शरीर छूट रहा है हमसे, जिसको हम अभी तक स्वयं का मान के बैठे हैं शरीर को। तो जब वो छूटेगा और हमारा कोई प्रैक्टिस नहीं है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तब हम भगवान को याद करने का सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए हमेशा हमको भगवान का नाम का स्मरण करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। और भगवान ने यह भी कहा है कि इसमें यह भी बोलते हैं कि जिस तरह का चेतना भगवान मनुष्य की रहती है मरते समय, उसको उसी तरह की बॉडी मिलती है। तो उसके एग्जाम्पल के लिए जड़ भरत की कहानी आती है भागवतम में, जो वानप्रस्थ आश्रम में रह रहे थे, बहुत महान राजा जिनके ऊपर भरतवर्ष का नाम रखा गया, वो भरत महाराज, इतने महान राजा कि पूरे देश का नाम उनके ऊपर रखा गया। और वो जब वानप्रस्थ आश्रम में थे और वो भगवान का ध्यान कर रहे थे, और वहां पे अचानक से एक दिन एक हिरण के बच्चे को उन्होंने बचाया, शेर उसको उनकी माता को मार चुका था, हिरण की माता को, और उसको वो बचाया उन्होंने। और उसके बाद उनको लगा इस हिरण का तो मेरे अलावा कोई नहीं है, तो इसको मैं ध्यान रखूंगा, और उससे इतने ज्यादा अटैच हो गए कि उसके बिना उनको मन नहीं लगता था, उसको देखे नहीं तो उसका खाना खाया कि नहीं उसने, और धीरे धीरे उनका जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस था वो भूलते जा रहे थे। वो एक दिन वो हिरण उनको कहीं मिला नहीं और वो उसको ढूंढ रहे थे, दौड़ भाग कर रहे थे, और एक पहाड़ी से उनका पैर फिसल गया और नीचे गिर के उनकी मृत्यु हो गई। और मरते मरते उन्होंने देखा कि वो उसी घाटी में वो हिरण घास खा रहा था, उसको देखते देखते, उसका ध्यान करते करते उनकी मृत्यु हो गई, और अगला जन्म उन्हें हिरण का मिला। भगवान की कृपा से उस हिरण के जन्म में भी उन्हें अपना पुराना जन्म याद था, तो उनको, क्योंकि उन्होंने काफी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पहले करी थी, इसलिए भगवान ने इतनी कृपा करी कि उनको क्या गलती हुई मुझसे याद दिलाया उनको हिरण के रूप में भी, और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने फैसला किया कि अब जो मुझे जब भी मनुष्य जन्म मिलेगा, मैं ये जो मैंने गलती करी है कि अटैच हो गया किसी चीज से, इतना भगवान से ज्यादा अटैच दूसरे से हो गया, वो नहीं करूंगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जो बहुत ही लस्टी लोग हैं उनको किस तरह का जन्म मिलता है, उनको एक कुत्ते का जन्म मिलता है। जो बहुत ही लेजी लोग हैं, जो बहुत आलसी लोग हैं, उनको पुलर बियर जैसे जानवर का जन्म मिलता है, जो हाइबरनेट करते हैं, 6-6 महीने सोते हैं, इस तरह के जन्म मिलता है। और जो दूसरों से बहुत नफरत करते हैं, जलन करते हैं, नफरत नहीं जलन करते हैं, जो दूसरों से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनको सर्प जन्म मिलता है। और जो बहुत जिनको अपना शरीर दिखाने का बहुत शौक है, ऐसे लोगों को पेड़ का जन्म मिलता है, कि जो हजारों साल खड़े होकर अपना शरीर दिखा सकते हैं वो, और क्योंकि उनकी इच्छा वैसी है, उस तरह से उनको जो उनकी कॉन्शियसनेस उनके आखिरी समय है उसी तरह का जन्म मिलता है। और जिनको बहुत मांस का भक्षण करने का शौक है, उनको ऐसा ही जन्म मिलता है, ऐसे जानवरों का जो मांस खाते हैं, कि आप अच्छी तरह से खा लीजिए, आपको जितना खाना है। तो इस तरह का आपका, जिस तरह का आपका आखिरी क्षण में आपका जो मेंटेलिटी रहता है, उस तरह का शरीर आपको प्राप्त होता है।
अगले जीवन, यहाँ पे अजामिल की एक कहानी आती है भागवतम में। तो अजामिल एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और खुद भी बहुत अच्छे तरह से अपना धर्म निभा रहे थे, वेद पाठ करते थे, गुरु के पास जाते थे और अच्छे तरह से उनका जीवन चल रहा था। और एक दिन वो जंगल से जा रहे थे, वहां पे उन्होंने देखा कि एक कोई जंगली लोग थे दो, वो वहां पे संग कर रहे थे। और जब उन्होंने उन दोनों को देखा, एक वेश्या के साथ वो संग कर रहा था व्यक्ति, तो वहां पे उन्होंने देखा, उनको देख के, वो दृश्य देख के अचानक से उनके बुद्धि पे बहुत असर हो गया और वो जब घर आए तो उस दृश्य को भुला नहीं पा रहे थे। उस वेश्या के साथ उनको बहुत अटैचमेंट हो गया और वो अपनी जो भी वेद पाठ करते थे वो, और जो भी अपना डेली का उनका प्रोसेस था, हवन करते थे, वेद पाठ करते थे, भगवान की पूजा करते थे, सब छूट गया उनका। और वो एक दिन उस वेश्या को वो घर लेके आ गए और वहां पे उन्होंने अपने घर वालों को बाहर निकाल दिया। हालांकि वो शादीशुदा थे, उनकी एक बहुत सुंदर पत्नी, पिता, माता सब थे, उनको सबको बाहर निकाल दिया उन्होंने और उस वेश्या के साथ रहने लगे। और उस वेश्या से उन्हें 10 पुत्रों का जन्म हुआ और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वो कभी लूटपाट भी करने लगे ना, क्योंकि उसकी कभी इच्छा होती थी कि मुझे ये हार चाहिए, मुझे ये गहना चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो लूटपाट करने लगे क्योंकि वो ब्राह्मण थे, वो इतने धनवान नहीं थे, लेकिन वो इस तरह की हरकतें करने लगे और इस तरह से उनका जीवन यापन होने लगा। अब वो काफी बूढ़े हो चुके थे और 80 साल की उम्र में लगभग उन्होंने एक और पुत्र को जन्म दिया था, 10वां पुत्र जो उनका था, उसका नाम उन्होंने, क्या उनके ऊपर कृपा हुई कि पता नहीं, उन्होंने उसका नाम नारायण रख दिया, भगवान की इच्छा से शायद उन्होंने नारायण नाम रख दिया। और हमेशा वो नारायण नारायण नाम उनका लेते थे और उनसे बहुत अधिक उनको प्रेम था। तो अभी एक बार उनके मृत्यु का समय आ गया और जब यमराज उनको लेने आए, सॉरी यमदूत उनको लेने आए, यमराज नहीं, यमदूत उनको लेने आए और यमदूतों ने उनको पकड़ लिया, तब उन्होंने अचानक से जब यमदूतों को आता देखा अपनी तरफ, तो उन्होंने आखिरी टाइम उनको सिर्फ अपने बच्चे से इतना प्रेम था, उन्होंने जम के पुकारा नारायण। और जब उन्होंने नारायण को पुकारा तो भगवान विष्णु ने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि अरे ये मुझे पुकार रहा है। उन्होंने तुरंत विष्णु दूतों को भेज दिया और विष्णु दूत आके उन्होंने रोक दिया यमदूतों को। और काफी उसके बाद में भागवतम में आता है प्रसंग के किस तरह से दोनों के बीच में बात होती है विष्णु दूत में, और अजामिल सुन रहा है दोनों की बातें, वो दोनों को देख पा रहा है और उनकी बातें सुन रहा है। तो वो धर्म के ऊपर चर्चा करते हैं कि धर्म क्या है, वो बोलते हैं कि इसने पाप कर्म किए, हमारा हमको इसको ले जाना, यही सही धर्म है। तो उन्होंने बोला कि इसने नारायण का नाम लिया है तो तुम इसको नहीं ले जा सकते। और काफी देर इस पर चर्चा करने के बाद जब यमदूतों को कुछ समझ नहीं आता है तो वो बोलते हैं कि हम यमराज से जाके पूछेंगे क्या है। उसके बाद बहुत कथा होती है, लेकिन मेन टॉप बात यह है कि विष्णु दूतों ने उनको बचा लिया और इसके बाद उनको एक सेकंड चांस मिला अजामिल को। अजामिल को जब सेकंड चांस मिला तब उनको समझ में आ गया कि सिर्फ अपने पुत्र को मैंने नारायण करके बुलाया था, लेकिन भगवान ने मुझे इस तरह के गंभीर खतरे से बचा लिया है। अब मैं अपना जो जीवन है वो मैं वापस सुधारूंगा और भगवान से जुड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन सुधारा। तो इस तरह से, किस तरह से भगवान के नाम द्वारा अजामिल का उद्धार हो गया। जब उन्होंने भगवान की जगह अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन जो इंटेंसिटी थी उनके पुकारने में, तो भगवान ने उनको एक सेकंड चांस दिया। तो अगर हम भगवान को डायरेक्ट पुकारेंगे और इंटेंसिटी से पुकारेंगे तो हमारा भी बहुत भला हो सकता। तो परम कर्म क्या है? परम कर्म है जीवन की शुद्धि। सबसे बड़ा कर्म क्या है? जीवन की शुद्धि। तो इन सब बातों से हमको ये पता चलता है, जैसे हमने अजामिल की बात देखी, कि हमें अर्जेंसी क्या है। अर्जेंसी यह है कि हम तत्काल तुरंत भक्ति सेवा का निर्वाण शुरू कर दें, भगवान की भक्ति में लग जाएं। श्रीमद् भागवतम में 2.3.10 दूसरे कैंटो के
तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। यानी चाहे कोई इच्छा रहता, किसी की कोई इच्छा ना हो या कोई सभी फलदायी परिणामों की इच्छा रखता हो या किसी को फल की इच्छा भी हो या कोई मुक्ति की इच्छा रखता हो, सभी को पूरी तरह से पूर्णता चाहिए तो उन्हें भगवान की पूजा पूरे प्रयासों के साथ करनी चाहिए और भगवान की भावनात्मक यानी भगवान की कॉन्शियसनेस में हमें हमेशा रहना चाहिए, भगवान को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति ये करेगा तो उसकी जो भी इच्छा है वो सब पूरी हो जाएंगे, चाहे वो उसकी मुक्ति की इच्छा हो, चाहे कोई इच्छा रहे तो सिर्फ भक्ति करना चाहता है या कोई कुछ फल पाना चाहता है, सबको सारी इच्छाएं उनकी पूरी होगी। तो जीवन की शुद्धि हम किस तरह से कर सकते हैं, तो जैसे हमने कल भी चर्चा करी थी ABCD, तो ABCD, ए मीन्स एसोसिएशन, इंग्लिश में इंग्लिश का ए एसोसिएशन, हिंदी में हम बोलते हैं उसको संगति। तो संगति तो हमको सबको मालूम है, अगर कोई शराब पीने वाले के साथ संगत करने लगेगा तो बहुत चांसेस हैं कि थोड़े दिन के बाद वो भी शराब पीने लगेगा। कोई हमने बच्चों को भी बोलते हैं कि जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ संगत करो ताकि वो पढ़ेंगे तुम भी पढ़ोगे, नहीं तो जो थोड़े बदमाशी करते हैं हम उनसे दूर रखना चाहते हैं बच्चों को, जो शैतानी करते हैं बैक बेंचर से उनसे थोड़ा दूर रखना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि फिर उनके साथ आप रहोगे तो बुरी आदतें सीखोगे। तो इसी तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेवल पे भी हमको संगति अच्छी रखनी चाहिए, जो लाइक माइंडेड पीपल के साथ नहीं, राइट माइंडेड पीपल के साथ संगति रखनी चाहिए। नहीं तो लोग बोलते हैं ना लाइक माइंडेड पीपल के साथ रखो, हमारी अभी जैसे हमारे जो अभी मनोस्थिति है, अगर हम उसी तरह के मनोस्थिति के लोगों के साथ संगति रखते हैं तो हम अगले लेवल पे कैसे जाएंगे। तो हमसे जो थोड़ा जिनको ज्यादा आध्यात्म में जो प्रगति कर चुके हैं ऐसे लोगों के साथ, और एटलीस्ट जिनके आध्यात्म में जाने की इच्छा है ऐसे लोगों के साथ हमको संग करना चाहिए। तो लाइक माइंडेड नहीं, राइट माइंडेड लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। दूसरा बी क्या है? बुक्स। बुक्स यानी पुस्तकें। तो जो भी धर्म ग्रंथ हैं, हमारे भागवतम, भगवत गीता, इस तरह के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और जिससे हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। सी यानी चैंटिंग, यहाँ लिखा गया जप सबसे शीर्ष है, कर्म के बीज एकदम भून जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे, जप में इतनी शक्ति है। तो हमने देखा शुरू में जो वीडियो चल रहा था, आपने देखा कि सब लोग जप कर रहे हैं, वहां पे पूजा कर रहे हैं, तो उनके मुख पे कितनी खुशी है, जो आनंद है वो सबके वहां पे भगवान को देख के उनका नाम लेके वो लोग कितने खुशी दिख रहे थे। तो जप में जो ताकत है कि हम भगवान से बहुत जल्दी जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छे से जप कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन से जप कीजिए, भगवान का एक एक नाम सुनिए बोलते समय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक जप कम से कम डेली करिए 108 बार एक माला में, तो उससे आपको बहुत शांति मिलेगी और मन भी बहुत शुद्ध लगेगा आपको। और डी फॉर डाइट, डाइट मीन प्रसाद। तो यहाँ डाइट में प्रसाद क्यों कहा गया है? कि भगवान को अर्पण कीजिए, सात्विक फूड बनाइए, भगवान को अर्पण कीजिए और उसको ग्रहण कीजिए, तो इन सब चीजों से जीवन की शुद्धि हो सकता है। और जब हम ये प्रोसेस करते हैं तब तो आगे ले जाने के लिए कोई कर्म नहीं रहता है। जैसे माता जी ने बोला था कि गृहस्थ जीवन में तो कर्म होंगे, लेकिन जब आप जप करते हैं जब से आपके सारे कर्म बीज भून जाएंगे भगवान का नाम। हमने एग्जाम्पल देखा वाल्मीकि का, कि वाल्मीकि ने अपने जीवन को सुधार लिया। तो जप करने से कर्म कैसे भून जाते हैं? क्योंकि जप जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका कोई कर्म फल, भौतिक कर्म फल हमको नहीं मिलता, ये स्पिरिचुअल क्रेडिट्स मिलते हैं हमको, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक इसका हमको फल मिलता है इन सब चीजों का, जब हम आध्यात्मिक चीज कर रहे हैं। तो इसका आगे थोड़े हम और एग्जाम्पल लेंगे। तो जैसे हमने मंत्र अभी देखा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और जो भी डिवोटीज हैं उनसे जिस तरह के हम उनके एक्सपीरियंस सुनते हैं कि जो जप करने से हृदय का शुद्धिकरण बहुत होता है। और जब हम
इसी को कीर्तन के रूप में गाते हैं, हरे कृष्ण मंत्र को संकीर्तन में सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आपने शुरू के वीडियो में भी देखा, तो कितनी प्रसन्नता होती है। सब लोग एक साथ आते हैं, सब लोग एक साथ एक सुर में जब भगवान का नाम लेते हैं तो हृदय बहुत शुद्ध होता है। आज भी हम सेशन के एंड में 2-3 मिनट के लिए जप करेंगे। तो कर्म, कर्म के प्रकार क्या क्या है? तो कर्म के अगर आप देखें तो मेन रूप से तीन प्रकार, तीन प्रकार क्या क्या है? कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म क्या है? जो भी प्रकृति के नियम के हिसाब से जो हम अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, जो उसको हम जब करते हैं, जो भी हमारे कार्य हम करते हैं शास्त्र के हिसाब से और प्रकृति के नियमों के हिसाब से, वो कार्य को कर्म कहा जाता है। यानी आप बोल सकते हैं कि पुण्य कर्म भी इसमें आते हैं। विकर्म क्या है? जो भी शास्त्र संगत नहीं है और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और अपने सेल्फिशनेस के कारण हम जो कार्य करते हैं पाप कर्म, वो विकर्म होते हैं। कर्म यानी शास्त्र संगत और जो प्रकृति के हिसाब से है वो कर्म, विकर्म यानी जो शास्त्र संगत नहीं है, शास्त्र में जिनको अप्रूव नहीं किया गया है और सेल्फिशनेस के कारण हम प्रकृति के विरुद्ध जाके कुछ काम कर रहे हैं, वो विकर्म होते हैं। जैसे किसी को धोखा देना, अनैतिक कार्य करना, ये सब विकर्म है। और अकर्म क्या है? अकर्म यानी भगवान के लिए किए गए कार्य, जब पूजा हम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं तरह तरह से, भक्तों की सेवा करते हैं, वो सब अकर्म में आते हैं, ये डिवोशनल सर्विस में। इनका कोई भौतिक आपको फल नहीं मिलता है, इसका सब आपको आध्यात्मिक फल मिलते हैं। तो ये तीन प्रकार के कर्म हैं मेनली, कर्म, विकर्म और अकर्म। लेकिन जनरली हम कर्म कर्म ही बोलते हैं, कर्म विकर्म को ना बोल के हम कर्म ही बोलते हैं कि अच्छे कर्म बुरे कर्म। लेकिन अब बेसिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जाएंगे तो कर्म, विकर्म और अकर्म। उसी तरह कुछ और सब टाइप भी हम देखते हैं कि सामूहिक कर्म होते हैं। सामूहिक कर्म को हम किस तरह समझ सकते हैं? जैसे आप सोचेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक देश में सब लोग काम करते हैं, सब लोगों के सामूहिक काम करने के हिसाब से वो देश का डेस्टिनी निर्भर होती है कि देश प्रगति करेगा कि नहीं। सामूहिक सबका एक टोटल लेके पता चलता है किस तरह से कार्य हो रहा है सब जगह, और उसके हिसाब से लोगों का भविष्य निर्माण होता है। एक कंपनी होती है, उसमें सारे एम्प्लॉयज रहते हैं, उन सबके प्रयासों से कंपनी का प्रगति होगी या कंपनी उसका लॉस होगा। और जब कंपनी का लॉस होता है तो ऑटोमेटिकली लोगों का भी लॉस होता है, उनकी किसी की जॉब चली जाती है, किसी की सैलरी कटती है। तो इस तरह से ये सामूहिक कार्य में आते हैं। तो जब सब लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ काम करते हैं उसके हिसाब से सामूहिक कर्म होते हैं। संचित कर्म यानी, संचित कर्म को आप समझ सकते हैं कि मैंने जो भी अपनी पुरानी जिंदगी में किया है, पिछले जो भी जितने भी मेरे जन्म हुए उनमें मैंने जो जो कर्म किए हैं वो सब एक जगह जमा है, फिक्स डिपॉजिट के जैसा समझ लीजिए, वो सब संचित कर्म होते हैं। और प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म का मतलब है कि ये फिक्स डिपॉजिट मेरा मैच्योर होने वाला है, मतलब अब इसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो इस जीवन में जिन कर्मों का मुझको रिजल्ट मिलने वाला है वो प्रारब्ध कर्म है मेरे। मैं एफडी मैंने करी थी पिछले जन्मों में, वो मैच्योर होने वाली इस जन्म में, वो प्रारब्ध कर्म है। संचित कर्म क्या है? वो एफडी में रखे हुए हैं, मेरे अकाउंट में रखे हुए हैं एफडी में, वो अभी नहीं मिलेंगे मुझे, वो बाद में मिलेंगे। लेकिन जो प्रारब्ध यानी मेरी एफडी मैच्योर हो गई है और अभी इस जीवन में मुझे उसका परिणाम मिलने वाला है, रिएक्शन आने वाला है। तो ये कर्म के प्रकार हो गए, कर्म, अच्छे कर्म जो शास्त्र संगत हैं प्रकृति के नियमों के हिसाब से हैं, विकर्म यानी जो शास्त्र के हिसाब से नहीं है, हम मैं प्रकृति के नियमों के खिलाफ हम जो काम कर रहे हैं अपनी सेल्फिश मोटिव से पाप कर्म कर रहे हैं, वो विकर्म है। और अकर्म यानी भगवान के लिए किए जाने वाले कार्य, जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो उनका कोई भौतिक फल हमको प्राप्त नहीं होता, जो हमने देखा था एसोसिएशन, बुक्स रीडिंग, चैंटिंग, डाइट, और जो भी हम भगवान की सेवा करते हैं उनका कोई भौतिक कर्म फल नहीं आता है। फिर हमने देखा सामूहिक कर्म। सामूहिक कर्म क्या होता है? सामूहिक कर्म यानी
एक मास कर्मा बोलते हैं उसको, बहुत सारे लोग एक साथ होके जो कर्म जनरेट करते हैं और उससे उन सब का भविष्य निर्धारित होता है। जैसे हम देखते हैं एक देश का या एक कंपनी का, इस तरह से संचित कर्म यानी मेरे पुराने जन्म के किए हुए कर्म जो अब अभी उनका रिएक्शन नहीं मिलेगा, वो अभी फिक्स डिपॉजिट में रखे हुए हैं, बैंक अकाउंट में समझ लीजिए आप रखे हुए हैं एक तरह से। और प्रारब्ध यानी कि वो फिक्स डिपॉजिट अभी ये मैच्योर होने वाला है, वो प्रारब्ध कर्म है। कुछ कर्म जो मुझे अभी रिएक्शन आने वाला है वो प्रारब्ध कर्म है, इस जीवन में ही मुझे उसका रिएक्शन आएगा। ये भी पुराने जीवन में किए हो सकते हैं और लेकिन रिएक्शन मुझे अभी मिलने वाला है। तो उसी को और एक्सप्लेन किया गया जो मैंने पिछली स्लाइड में समझाया कि कर्म यानी कार्य करना, कर्म का अर्थ है निर्धारित कर्तव्य, किसी के निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार किए गए कार्य को कर्म कहते हैं। हर गतिविधि का एक परिणाम होता है और हर किसी को इसको सहन करना पड़ता है। हम गतिविधि करते हैं और परिणाम भुगतते हैं, आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे कर्म और विकर्म को एक ही साथ लिखा गया कर्म के लिए। जैसे मैंने बोला था कि कॉमन लैंग्वेज में हम कर्म को बोलते हैं, अच्छे कर्म को भी कर्म बोलते हैं, बुरे कर्म को भी कर्म बोलते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि कर्म के क्या प्रकार हैं, तो आप बता सकते हैं कि कर्म, विकर्म और तीसरा अकर्म। तो अकर्म ऐसी गतिविधियां जो कर्म प्रतिक्रिया के कारण नहीं बनती हैं, इनके इनका कोई रिजल्ट नहीं आएगा आप भौतिक स्तर पे। स्पिरिचुअल क्रेडिट्स मिलेंगे इसके, आपको स्पिरिचुअल फायदे मिलेंगे। ऐसी गतिविधियां जिनके लिए लोगों को कोई प्रतिक्रिया नहीं सहनी होती है इस भौतिक जगत में, और ये जो हम करते हैं ये हमको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करा सकते हैं। अकर्म जो भी डिवोशनल सर्विस है, भगवान के लिए जो सेवा है, वो हमको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करा सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किए गए। और हाँ, आखिरी में वही लिखा है जो मैंने बोला, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाली गतिविधियां। तो किस तरह से ये कार्य होते हैं वो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमारे, हम देखेंगे एक पुलिसकर्मी है, वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, वो कर्तव्य निभाएगा सही से, अगर कर्तव्य निभाएगा तो उसको पॉजिटिव क्रेडिट मिलेगा यानी कुछ पुण्य कर्म मिलेगा, तो उसका उत्थान होगा, उसका उत्थान होकर वो स्वर्ग जा सकता है। अगर उसने कुछ ड्यूटी पे गलत गतिविधियां करी, उसको उसका परिणाम कुछ पाप कर्म मिल सकता है, तो वो नरक जा सकता है, लेकिन वो इसी भौतिक जगत में ही रहेगा। एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक दे रहा हूँ, और इस भौतिक जगत से बाहर नहीं जा सकते। ये आपको समझना पड़ेगा कि स्वर्ग और नरक दोनों इस भौतिक जगत में ही आते हैं, और जो आध्यात्मिक जगत यानी जो भगवान का धाम है वो इस भौतिक जगत से अलग है। वहीं पे आप देखेंगे कि जो अर्जुन ने भगवान के आदेश पे युद्ध में सैनिकों को मारा, तो वहां पे उनका कर्म जनरेट नहीं हुआ क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए कर रहे थे। गीता सुनने के बाद भगवान के लिए उन्होंने ये युद्ध लड़ा, तो इसीलिए वहां पे इनको कर्म जनरेट नहीं हुआ। तो ये अकर्म होता है, भगवान के लिए करे हुए कार्य, भगवान की प्रसन्नता के लिए करे हुए कार्य। विकर्म तो भगवत गीता में 4.17 में कहा गया है, कर्मणो हापि बोधद्वयम्, बोधद्वयम् च विकर्मणः, अकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गति। यानी प्रकृति के नियम के खिलाफ की गई अवैध जो गतिविधियां हैं उनको हम कहते हैं विकर्म। प्रत्येक गतिविधि जो वैदिक निषेधता की उपेक्षा से या विरोध से की जा रही है उसको भी विकर्म कहा जाता है। धर्म के खिलाफ जो काम किए जा रहे हैं वो विकर्म है। शासन के खिलाफ और प्रकृति के नियमों के खिलाफ जो हमने ऑलरेडी चर्चा करी है, प्रकृति के नियमों के खिलाफ या पापपूर्ण गतिविधियां, ये सब आते हैं विकर्म में। आगे हम सामूहिक कर्म का देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको कंपनी का एग्जाम्पल दिया था या एक देश का एग्जाम्पल दिया था, और उसी तरह से आप देखेंगे कि सामूहिक रूप से इनको वो कर्म का रिएक्शंस भी आते हैं कई बार, कि कोई आप प्राकृतिक आपदाएं होती हैं या फिर कोई दुर्घटनाएं होती हैं इस तरह की, जिसमें एक ही साथ बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो सामूहिक रूप से उनको उनके कर्म फल का परिणाम मिलता है। त्रासदियां और आपदाएं जो क्रूर रूप से याच्छादिक और क्रूर रूप से मनमानी लगती हैं, एक पूरे देश को कष्टों का लेखा जोखा, एक महामारी, एक युद्ध, एक प्राकृतिक प्रलय, एक साझा गंतव्य साझा करने वाले लोगों के छोटे या बड़े समूह के लिए लाभ या पीड़ा,
इन सामूहिक कर्मों के कारण आती है। और संचित कर्म मैंने जैसे बताया था कि एक फिक्स डिपॉजिट के जैसा है, जिसका अभी हमको रिएक्शन नहीं आने वाला है, वो हमको अगले जन्मों में आने वाला है। हर जन्म में बहुत बड़ा कर्म जमा कर सकता है। सारे कर्म जो हमने अपने पिछले सभी जन्मों से अर्जित किए हैं, आपके पिछले कई जन्मों के आपके द्वारा किए गए कार्यों के सारे परिणाम आपके खाते में जमा हो जाते हैं, जिसके फल या बीज अभी तक अंकुरित नहीं हुए, वो अभी तक मैच्योर नहीं हुई। ऐसी एफडी जो अभी मैच्योर नहीं हुई, वो संचित कर्म। और प्रारब्ध, आप लोगों को कुछ डाउट तो नहीं आ रहा, या ऐसा भी नहीं हो मैं आगे बोलता जाऊं और फिर आगे कुछ कंफ्यूजन हो? अभी तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? चैट में टाइप कर सकते हैं, ये कुछ कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लीजिए, ताकि आगे थोड़ा क्लियर हो जाए। समझ आ रहा है? ओके, बाकी लोगों का भी कुछ रिएक्शन आ जाए तो मैं आगे बढ़ूं। हरे कृष्णा, ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, सब कुछ आ नहीं रहा है अभी। ठीक है, तो प्रारब्ध कर। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जो मैं बहुत बार देखती हूँ लाइफ में कि मतलब जो लोग बहुत अच्छे कर्म, अभी जो मैं प्रेजेंट में देखती हूँ नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में उनके पास सब कुछ है, सब पॉजिटिव है, सो क्या इसको मैं प्रारब्ध कर्म ही मान के चलूँ? हाँ, तो मैंने आपको जैसे बताया कि प्रारब्ध का मतलब है कि रिएक्शन इस जन्म में आने वाले हैं, संचित का मतलब है कि वो भी फिक्स डिपॉजिट में है। तो आप जैसे बोल रहे हैं, हाँ, उनके लिए जो प्रारब्ध कर्म है कि उनके पिछले जो अच्छे कर्म किए हुए हैं उन्होंने पिछले लाइफ में, अभी उनको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अभी उनके प्रारब्ध कर्म तो आ गए, लेकिन अब जो संचित करते जा रहे हैं इस जन्म में गलत काम करते हुए, तो ये आगे जाके उनके प्रारब्ध बनेंगे, मतलब अगले जन्म में, या हो सकता है हमको नहीं मालूम है कि इस जीवन में उनके लिए क्या क्या प्रारब्ध, हो सकता है इसी जीवन में भी कुछ हानि हो, लेकिन कर्म का हमको तो कुछ पता नहीं है कि क्या क्या हमने पहले करा हुआ या उन्होंने पहले क्या क्या किया हुआ। तो अच्छा कुछ उनके साथ कुछ चल रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि उनके प्रारब्ध कर्म अभी उनके जो फ्रूट आ गए हैं, तो वो उनको अभी फ्रूट को भोग रहे हैं, लेकिन अभी जो बुरा कर्म करते जा रहे हैं इसका हो सकता है इसी जीवन में या अगले जीवन में उनको फल मिलेगा। जी जी धन्यवाद। प्रारब्ध कर्म, तो प्रारब्ध कर्म जैसे हमने अभी बताया क्वेश्चन के आंसर में कि ऑलरेडी जो पिछले जन्मों के कर्म हमको मैच्योर हो चुके हैं और मिलने वाले हैं, वो प्रारब्ध कर्म। तो हमारे जीवन काल के व्यापक ढांचे को निर्धारित करता है, हमारे प्रकृति, हमारे भाग्य, हमारे परिवार। कोई म्यूट नहीं है, कृपया म्यूट हो जाएंगे। पूजा माता जी, आपको कुछ प्रश्न पूछना है? अपने हाथ खड़ा किया। जी प्रभु जी, मुझे बस यही सवाल है कि अगर इस जन्म में हमें प्रारब्ध कर्म का जो फल मिल रहा है, और यदि हम इस जन्म के कर्म हमारे अच्छे ना हो, तो हमारा अगला जीवन किस हिसाब से होगा? हमें वो उस कर्म के हिसाब से दूसरा जीवन मिलेगा, या हमारा जो कर्म हमें माइनस हो जाएगा तो हमें नॉर्मल जीवन ही मिलेगा? तो जैसे अगर आप अभी आप इस जीवन में आपके प्रारब्ध के सब अच्छा है और आप बुरे कर्म करते जा रहे हैं, तो आपके जो मनोस्थिति, जैसे भगवान ने बोला है कि अंत काल में जो मनोस्थिति होगी उसके हिसाब से आपको जन्म मिलेगा, और उस जन्म में ये जो अभी के जो कर्म प्रारब्ध हो जाएंगे अगले जन्म में, उसके हिसाब से आपको सिचुएशन मिलेगी। तो जैसे कि डेस्टिनी का मैंने बताया था कि डेस्टिनी कैसा होता है कि आपको कुछ फेवरेबल सिचुएशन मिल सकती है, जैसे आप अच्छी फैमिली में आपका जन्म होगा, या कुछ जीवन में ऐसे फेवरेबल कंडीशंस आएंगी जहां पे आपको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, और ये अनफेवरेबल भी हो सकते हैं कर्म के हिसाब से। तो तब क्या होता है कि आप वहां पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, उस तरह से आगे आपका जीवन निर्धारित होता है। जैसे अभी माता जी ने पूछा कि उन लोगों को तो बहुत फायदा हो रहा है, तो उनको एक अच्छी फेवरेबल कंडीशन इस लाइफ में मिली, लेकिन वो उसको मिसयूज कर रहे हैं, अभी इस लाइफ में मिसयूज कर रहे हैं। तो मिसयूज जब वो करेंगे और उनका जो भी जीवन के आखिरी में उनका जो मनोस्थिति होगी उसके हिसाब से उनको अगला जीवन प्राप्त होगा। और एक एग्जांपल और देना चाहूंगा कि धृतराष्ट्र जो थे, धृतराष्ट्र ने
कृष्ण को पूछा युद्ध के बाद में कि आप ही बताइए, आप भगवान है, कि मैंने ऐसा क्या कार्य किया था कि मुझे 100 पुत्रों का मृत्यु सहन करनी पड़ रही है। किसी का एक पुत्र अगर किसी का मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कितना दुख होता है, और उनके इतने बड़े पुत्र करे उन्होंने, जवान थे सभी पुत्र और उन सबका वध हो गया। तो बड़े दुखी मन से उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो कृष्ण ने उनको बताया कि आपने काफी जन्मों पहले आप एक शिकारी थे और आपने 100 चिड़ियों के बच्चों को मार दिया था। तो धृतराष्ट्र को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने बोला कि आप इतने जन्मों पहले की बात कर रहे हैं कि मैंने चिड़िया के 100 बच्चों को मार दिया था, लेकिन फिर मुझे इतने लाइफ टाइम तक क्यों नहीं फल प्राप्त हुआ, अभी यहाँ पे आके क्यों फल प्राप्त हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक पुत्र को प्राप्त करने के लिए एक मनुष्य के पास बहुत सारे पुण्य कर्म होने चाहिए, तो 100 पुत्रों को प्राप्त करने के लिए कितने पुण्य कर्म चाहिए, तो आप इतने जीवन तक वो पुण्य अर्जित कर रहे थे क्योंकि आपके पास उतने पुण्य नहीं थे कि 100 पुत्र हो जाएं। इस जीवन में आके आपके पास उतने पुण्य जमा हो गए कि आपके 100 पुत्र हो सके, और इसीलिए जैसे ही आपके 100 पुत्र हुए तो आपको वो रिएक्शन आ गया कि आपको 100 पुत्रों के मृत्यु का दुख झेलना पड़ेगा। तो कर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कहीं कहीं, किस तरह से रिएक्शन आएगा, कैसा होगा। तो हम जब एडवांस स्टडी करेंगे भगवत गीता की, ये कोर्स खत्म होने के बाद, तब ये सब चीजों को और ज्यादा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि और डिटेल में हम जा सके, लेकिन हम तब जरूर इस पे और चर्चा करेंगे। ठीक है माता जी, थैंक यू गुरु जी। तो प्रारब्ध कर्म ऐसे है कि हमको फल मिलने शुरू हो गए और हमें इसी जीवन में भोगना पड़ेगा, तो हमें अपने पिछले जीवन के कर्म का प्रभाव इस वर्तमान जीवन में मिलता है। भगवान की दया से कभी कभी कुछ कर्म अंकुरित नहीं होते। और हमको यह देखना चाहिए कि कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब क्यों पैदा होते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग शुरुआती स्थिति क्यों मिलती है। तो अगर हमको जीवन में भगवान हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आध्यात्म की चर्चा करें और अपने जीवन को सुधारें, तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत गरीब होते हैं, उनको पहले खाने का सोचना है, उसके बाद ये सोच सकेंगे कि आध्यात्म की तरफ जाऊं कि नहीं। और कुछ लोग इतने अमीर हैं कि उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसा क्यों है? सबको अलग अलग शुरुआती स्थितियां क्यों मिलती हैं? क्योंकि हर व्यक्ति के अपने कर्म के स्थान, जिस तरह के उन्होंने कर्म किए हैं उस हिसाब से उनको, और जो उन्होंने अंत में उनके मरते समय जो इच्छा रही उस हिसाब से उनको जीवन मिलता है। तो इसी कारण से व्यक्तियों के जीवन में अलग अलग स्थिति होती है। तो दूसरे कुछ रिलीजन्स में रीइंकार्नेशन को नहीं माना जाता है, लेकिन जब उनसे यह सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब क्यों पैदा होते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये एक ही लाइफ है और इसमें जो टेस्ट है कि जो टेस्ट पास करेगा उसको भगवान के पास बुला लेंगे, नहीं तो नरक भेज देंगे। तो सिर्फ एक लाइफ में आदमी फेल हो गया उसको हमेशा के लिए नरक भेज दिया जाएगा। और जिस तरह से हम देखें कि कुछ लोगों को हेड स्टार्ट मिला हुआ है, बहुत अमीर हैं वो लोग, और कुछ लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास कुछ फैसिलिटी नहीं करने की। कुछ लोग तो जन्म लेते ही कई शिशुओं का मृत्यु हो जाती, फिर उनके लिए क्या है, उनके टेस्ट का क्या हुआ। तो इसीलिए जो रीइंकार्नेशन है, कर्म एक सिद्धांत है, वो इस बात को प्रूफ करते हैं कि इस तरह से क्यों अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो शुद्धिकरण प्रक्रिया हमने देखा कि किस तरह से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। नंबर वन जाप, जाप तो नंबर वन प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। दूसरा है प्रसाद, तुलसी पूजा, तुलसी की जो हम पूजा करते हैं उससे भी हमको बहुत शुद्धि मिलती है। तो डेली आप तुलसी को जल चढ़ाइए, तुलसी की पूजा करिए, जप करिए, प्रसाद खाइए, पवित्र नदियों में स्नान कीजिए, धाम यात्रा भी बहुत अच्छी होती है, शास्त्रों का अध्ययन करें, और साधु संग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम अच्छी संगति में नहीं रहेंगे, तो क्या होता है कि जब हम संगति में नहीं रहते तो हमको इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। जब हमको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी तब हम थोड़े दिन करेंगे और फिर हम भूल जाएंगे, लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं कि अरे वो कितने उत्साह से कार्य कर रहा है,
देखो वो कितने अच्छे से भक्ति कर रहा है, कितना अच्छा उसने प्रसाद बनाया भगवान के लिए, फेस्टिवल में कितना अच्छा भगवान का सजावट करी, तब हमको भी इंस्पिरेशन मिलती है कि अरे हम भी करें, हम और अच्छा करें। तो पूजा माता जी ने लिखा है स्थिरता नहीं रहती। हाँ सही बात है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब हम भगवान के जो भक्त हैं उनके संग करते हैं तो तब हम स्थिरता इसलिए नहीं रहती क्योंकि हम थोड़े दिनों के लिए हमको जब एक ही एक काम करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम भक्तों के संग रहेंगे और उनको देखेंगे, उनका उत्साह देखेंगे, तब हमको और अच्छे से ये कार्य करने की इच्छा होगी। और हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा माइंड है, माइंड भी हमको बहुत ट्रिक करता है। माइंड हमको जब हम कुछ अच्छा कार्य करने जाते हैं, तो जो हमारी कंडीशन है जो पहले से, उसके कारण से हमको माइंड हमको थोड़ा इन चीजों से भटकाने की कोशिश करता है। तो माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमको लगता है कि स्थिरता नहीं है। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप ये सब जो बताया है शुद्धिकरण कीजिए। जब हमारी इंटेलिजेंस हमारे माइंड को काबू करने लगेगी, जैसे कैसे होता है कि ये हमारा बाहर का एक लेयर है, शरीर है हमारा, ग्रॉस बॉडी इसको बोलते हैं। ग्रॉस बॉडी के अलावा इससे अंदर की जो लेयर है वो है मन और बुद्धि की, मन बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो की एक लेयर होती है हमारे अंदर, और उस लेयर को हम देख नहीं सकते। जैसे मेरा माइंड आपको, मेरी इंटेलिजेंस को आप समझ सकते हैं कि हाँ कुछ इनमें बुद्धि है, या आप माइंड समझ सकते हैं, हर आदमी के अंदर माइंड होता है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, है ना। फॉल्स ईगो भी समझते हैं, सबके अंदर एक अहंकार है, आई मैं, वो अहंकार है जो हमारे अंदर, तो इन सबको हम महसूस कर सकते हैं। और उससे अंदर का लेवल है वो हमारी आत्मा है, जिसको भी हम उसको भी नहीं देख सक पाते हैं। तो सबसे ऊपर जो आत्मा है वो हमारे शरीर को चलाती है और मन बुद्धि के थ्रू उसको चलाती है, लेकिन जब मन है हमारा वो काफी हमको ट्रिक करता रहता है, और इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर है, मन के ऊपर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हमारी इंटेलिजेंस कमजोर पड़ जाती है तो क्या होता है कि मन अपनी चलाता है, फिर वो इंटेलिजेंस उसको मना नहीं कर पाती है, मन जिधर जाने को बोलेगा। सेंसेस जो है हमारे, वो मन को बोलते हैं चलो इधर चलो, यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज है देखने को, यहाँ पे ये खाने को है, या जो भी है। तो जब हमारी इंटेलिजेंस उसको सही प्रकार से रोक नहीं सकती, उस पे कंट्रोल नहीं कर पाती है, तब मन अपने हिसाब से चलता है, सेंसेस जिधर जाते हैं उधर जाता है। उसका एग्जाम्पल देने के लिए एक रथ का एग्जाम्पल अगर आप देखो, तो रथ में जो घोड़े रहते हैं, घोड़े क्या हैं, हमारे पांच इंद्रियां हैं, पांच घोड़े हैं रथ में, तो पांच इंद्रियां हैं जो हमेशा अपने विषय वस्तु ढूंढती रहती हैं। जीभ हमेशा अच्छा खाने को सोचती है, आंख अच्छा देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहते हैं, इस तरह से। तो ये घोड़े हमेशा अलग अलग दिशा में दौड़ने को सोचते हैं, तो उसको काबू कौन कर सकता है, वहां पे हमारा माइंड रहता है, वहां पे इंटेलिजेंस, हमारा माइंड हमारे घोड़े की लगाम के जैसा है, और इंटेलिजेंस जो है वो हमारे रथ का सारथी है, और आत्मा पीछे पैसेंजर सीट पर बैठी है। तो इंटेलिजेंस अगर अच्छे से घोड़े को लगाम रखेगी, माइंड को खींच के रखेगी, और माइंड के थ्रू उन घोड़ों को अपने कंट्रोल में रखेगी, तब क्या होता है कि तब हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया सब अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन जब हम इंटेलिजेंस हमारा कमजोर पड़ जाता है, तो वो क्या होता है, उसके हाथ में वो जो लगाम है वो अच्छे से पकड़ नहीं पाता, और वो लगाम इधर उधर भागती है, और फिर वो सेंसेस जिधर दौड़ना चाहते हैं ना उधर हमको लेके जाते हैं, और फिर हमारा जो जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं उस दिशा में हम नहीं जा पाते हैं। तो स्थिरता अगर हमको चाहिए तो हमको अपने इंटेलिजेंस को बहुत मजबूत करना पड़ेगा और मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रगति माता अजी बोल रही है, गुरु जी अच्छी संगति के लिए गुरु की जरूरत होती है क्या जीवन में, गुरु बनाना है या गुरु दीक्षा जरूरी है? जी हाँ, जिस तरह से आप देखेंगे कि इवन हमें अपने बच्चों को हम जब स्कूल भेजते हैं, क्यों भेजते हैं, कि एक टीचर की जरूरत है, भौतिक शिक्षा के लिए भी टीचर की जरूरत होती है। जब आपने देखा है कि कहीं पे भी हम जाते हैं तो एक टीचर की हमको आवश्यकता पड़ती है, और ये जो आध्यात्मिक सब्जेक्ट है इसमें हमें गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु जो रहते हैं, सदगुरु जो हैं, असली जो गुरु हैं, उनके पास वो नॉलेज है जो हमको दे सकते हैं,
और स्पेशली भक्ति में, तो भक्ति हमें गुरु के थ्रू ही मिलती है। गुरु जब हमको सिखाते हैं कोई चीज, जब दीक्षा देते हैं, तो उस समय भक्ति लता बीज हमको प्रदान करते हैं जो हमारे हृदय में बढ़ती है। फिर तो गुरु होना बहुत जरूरी है। और अभी आप शिक्षा गुरु बना सकते हैं, लोगों के लेक्चर सुन सकते हैं गुरु के, अलग अलग गुरुओं के लेक्चर सुनिए, और जब आप प्रगति कर लें तब आप दीक्षा के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी आप शिक्षा लीजिए गुरुओं से, और दीक्षा के बारे में आप फिर थोड़ा और सीरियस हो जाए तब आप सोच सकते हैं। लेकिन गुरु बहुत जरूरी है, गुरु के बिना ये कार्य संभव नहीं। ठीक है, आज थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे आगे का। तो परम पुरुष की पूजा करें, श्रीमद् भागवतम 2.3.10 में कहा गया है, अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये वही श्लोक जो हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई इच्छा रहित हो या सभी फलवादी परिणामों की इच्छा रखता हो या मुक्ति की इच्छा रखता हो, सभी प्रयासों के साथ पूर्ण पूर्णता के लिए भगवान की पूजा करने का प्रयास करना चाहिए। तो किसी की कोई भी किसी भी तरह की इच्छा हो, या वो इच्छा रहित हो, सिर्फ भक्ति करना चाहता हो, या फिर मुक्ति की इच्छा भी किसी की हो, तो भी उसको भगवान से ही ये सब चीजें अपनी इच्छा जागृत करने, उनके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे हम लोग विराम देंगे, और मैं चाहता हूँ कि 2-3 मिनट के लिए हम जप करें, और ताकि हम फील कर सकें जो एक्सपीरियंस हमें मिलेगा उसके कारण हमको और शांति मिलेगी और बहुत आनंद की प्राप्ति होती है जब से। तो डेली आप कम से कम एक माला करने का प्रयास करें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 7-8 मिनट का एक टाइम लगता है, लेकिन सुबह सुबह आप ये करें, इससे आपको जो भगवान के साथ जुड़ने में बहुत सहायता मिलेगी। तो अभी हम जप करेंगे, पहले मैं पंचतत्व मंत्र बोलूंगा, उसके बाद हम सब जप कर सकते हैं 2-3 मिनट, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है, चैंटिंग द हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र वैंक्विशेस ऑल द इफेक्ट्स ऑफ सिंपल एक्टिविटीज। श्रीमद् भागवतम में परपट में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है 6.2.16 के परपट में कि जितने भी सिंपल एक्टिविटीज हैं उनके सारे इफेक्ट्स को महामंत्र का चैंटिंग मिटा देता है, क्योंकि हम डायरेक्ट इसमें भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। हरे मीन्स भगवान की एनर्जी, श्रीमती राधा रानी, कृष्णा और राम भगवान का नाम है, तो इसमें हम सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हैं और उनसे भक्ति मांग रहे हैं। तो इसीलिए इस मंत्र का जाप करने से जो भी सिंफुल एक्टिविटीज के जो भी इफेक्ट हैं वो सब पूरे साफ हो जाते हैं। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब कम से कम एक माला, जो नहीं करते हैं, जो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं करते हैं वो कम से कम एक माला कर पाए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज था कि कई लोगों का ये सोचना होता है कि जैसे मैंने 10 पाप किए हैं और मैं 10 पुण्य कर्म भी कर लूंगा तो शायद से मेरे कर्म बैलेंस हो जाएंगे। तो अकर्म है मेरे, सॉरी, मेरे 10 विकर्म हैं और मैंने 10 कर्म कर लिए तो दोनों मिलके 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं होता है, भौतिक कर्मों को भौतिक कर्म नहीं काट सकते। अगर आपने 10 अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं और 10 पाप कर्म किए हैं तो जब आपकी मृत्यु होगी तो आप जब यमराज के पास जाएंगे तो 10 अच्छे कर्मों का परिणाम भोगेंगे और 10 बुरे कर्मों का परिणाम भी भोगेंगे अपनी नेक्स्ट लाइफ में। तो आपको नारकी प्लैनेट भेज सकते हैं उन 10, मतलब 10 तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो हो सकता है उसमें आपके कर्म की क्या उस टाइम कैलकुलेशन है उसके हिसाब से वो आपको नारकी प्लैनेट या ऊपर के स्वर्गीय प्लैनेट में भेज सकते हैं, लेकिन वो आपको वो 10 कर्म भोगने ही पड़ेंगे जो आपने बुरे किए हैं। जब तक हम अकर्म करना शुरू नहीं करते, जब तक हम भगवान की भक्ति और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना शुरू नहीं करते, ये भौतिक कर्म नहीं कटते। केवल भगवान के लिए करे हुए कर्म से ही हम भौतिक कर्मों को काट सकते हैं, पुण्य कर्म करके हम पाप कर्मों को नहीं काट सकते। तो ये बात हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। तो अभी आज का हमारा सेशन यही खत्म होगा, कल हम देखेंगे कि प्रकृति क्या है। तो जब हम कर्म करते हैं तो हम कर्म किस चीज के इन्फ्लुएंस में करते हैं, तो प्रकृति के जो 3 गुण किस तरह से हमारे कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करते हैं और जीव को किस तरह से प्रभावित करते हैं वो हम देखेंगे कि रजस तमस और सत्व गुण किस तरह से प्रकृति के ये गुण हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो आज के सेशन हम यही खत्म करते हैं और अभी क्वेश्चन आंसर सेशन हम शुरू करते हैं। तो आपके जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, कुछ फीडबैक हो वो आप दे सकते हैं। पूजा माता जी, मैंने ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स डाली हुई थी, अभी मैं आपने शायद से मिस कर दिया होगा तो मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग दे दूंगा। मैंने 3 दिन की रिकॉर्डिंग डाली हुई है, तो अगर आपको नहीं मिली है तो फिर से मैं एक बार रिकॉर्डिंग के सारे लिंक्स डाल दूंगा। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। डिजायर करना बुरा होता है क्या? तो आप किस तरह की डिजायर करते हैं ये उस पर निर्भर करता है, क्योंकि डिजायर जो इच्छा है वो कर्म का बीज है, और जिस तरह के आप सोचेंगे डिजायर करेंगे उसके हिसाब से आपके एक्शन भी धीरे धीरे बनते जाते हैं। जैसे आपकी डिजायर स्ट्रांग होती जाएगी तो वो धीरे धीरे एक्शन में कन्वर्ट होती जाती है, इसलिए हमको डिजायर करते टाइम भी बहुत ध्यान रखना
पड़ेगा। जैसे हमने देखा ऑलरेडी सूर्पनखा के कहानी में या पूतना के प्रीवियस जन्म की कहानी में किस तरह से उनने डिजायर करी, उनको नेक्स्ट जन्म मिला, वो तो उन्होंने भगवान के लिए डिजायर करी, ये अच्छा था। लेकिन कोई कुछ गलत डिजायर भी कर सकता है और उस डिजायर के हिसाब से उसको आगे के उसके हो सकता है कि वो डिजायर आगे जाकर कर्म बन जाए या उसको अगले जीवन उस डिजायर के कारण मिले। तो हमको डिजायर बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हेमा माता जी, वेयर विल आई गेट रिकॉर्डिंग्स प्रभु जी? माता जी आप ग्रुप में हैं क्या? ग्रुप में हम लोग लिंक डालते हैं। आप ग्रुप में नहीं है तो आप अपना नंबर दे सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अच्छा, मैं तो इंग्लिश सुन रही थी पहले और जी, जी. आज साथ से ही ज्वाइन किया हूँ, इसीलिए तो प्रीवियस डे का ये सुनना चाहती हूँ मैं। ठीक है, तो आप मैसेज यहाँ पे चैट में सब डायरेक्ट मैसेज आप डाल सकते हैं मुझे या रवि प्रभु को, तो वो ग्रुप में आपको ऐड नंबर चैट में डालो अभी। हाँ, डायरेक्ट मैसेज में डालिए माता जी, चैट में ही, लेकिन सबको ना देना है तो एवरीवन को ना करके सुमित या रवि को दे, रवि प्रभु के नाम से दे सकते हैं। अच्छा, तो आपको ऐड कर लेंगे। डाल दीजिए आप। ओके, पूजा माता जी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है कि कोई इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है और कोई इच्छा बहुत समय लेती है? तो वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही ये निर्धारित होता है कि कब हमें वो चीज के लिए हम क्वालिफाई होते हैं। जैसे धृतराष्ट्र का एग्जांपल आपने देखा कि इतने जन्मों के बाद उनको अपने पाप कर्म का फल मिला, क्योंकि उनके उतने पुण्य कर्म नहीं हुए थे। तो इसीलिए कुछ कभी कभी फल पाने के लिए हमारे उतने पुण्य कर्म होने चाहिए, क्योंकि उनके पास 100 पुत्रों का उतने पुण्य कर्म नहीं थे कि उनके 100 पुत्र हो पाए, इसलिए पहले उन्होंने पुण्य कर्म उतने जमा किए। तो इसीलिए हमारी इच्छाएं कुछ कुछ होती हैं, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति के हिसाब से हमारे कर्म है कि नहीं। तो पर प्रभु जी, कभी कभी ऐसे होता है कि हम कभी गुस्से में हैं या कभी हम हताश है, तो हम ऐसी इच्छा करते हैं कि जो हम वास्तव में नहीं करना चाहते, लेकिन हम करते हैं उस समय के लिए, और वो इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है। और जो हम खुश हैं तब हम कुछ इच्छा करते हैं, वो नहीं पूरी होती है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि वो इंटेंसिटी रहती है ना माता जी, इंटेंसिटी के हिसाब से कितनी स्ट्रांग इच्छा है। थोड़ी देर के लिए आई है, लेकिन वो स्ट्रांग, कई बार हम बहुत इंटेंसिटी के साथ वो इच्छा कर देते हैं ना। और कर्म के हिसाब से भी होता है ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटेंसिटी के हिसाब से ही होता है। तो जिस हिसाब से हमारे कर्मों का अभी कोई हमारे पास अकाउंट बैलेंस नहीं है कि हम उसको देख सके, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट हिसाब से काम करता है। जब आपके वो इच्छा के हिसाब से आपके कर्म प्रारब्ध आ जाएंगे, जब प्रारब्ध कर्म आ जाएंगे उस हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाती है। लेकिन हमको नहीं पता, इसलिए हम प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता है कि हमारे प्रारब्ध का कर्म कब आने वाले, इसलिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं उन चीजों के लिए। प्रभु जी, ये एक और सवाल है जी, क्या ये जरूरी है कि हमें जो भी मिलता है या जो भी हम प्राप्त करते हैं जीवन में, वो सब हमारे इच्छा से ही हमें मिला है या हमारे मांगने से ही हमें मिला है? ऐसा कुछ है कि जो प्रभु हमारे निर्धारित करते हैं, या फिर हर जो भी चीज होती है हमारे साथ वो हमारी की हुई ही है? जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे कर्म फल के हिसाब से ही होता है माता जी। हम इच्छा तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन सारी इच्छाएं हमारी पूरी होंगी कि नहीं वो हमारे कर्म फल के ऊपर रहता है। तो हमारे कर्म भी उसे भी हो, यदि कोई इच्छा नहीं हो पर हमारी जीवन एक सरल जाना या उसमें कुछ भी उतार चढ़ाव आना जो भी है, वो सब निर्धारित करना हम ही करते हैं या फिर प्रभु भी हमारे लिए निर्धारित करते हैं कुछ ऐसे? हाँ, तो जैसा कि ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो हमारे कर्म के हिसाब से ही होती हैं। कभी कभी भगवान की कृपा भी होती है किसी पे, लेकिन ज्यादातर चीजें जो हमारे जीवन में है वो हमारे कर्म फल के हिसाब से ही होती हैं। अब जब कभी कभी कृपा किस तरह से होती है, जैसे आप देखेंगे कि अहिल्या के समय प्रभु श्री राम ने आके उन पर कृपा करी, तो वो उनके किसी
ऐसा नहीं है कि उनके किसी कर्म के कारण प्रभु ने उनके ऊपर कृपा करी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे कि भगवान भी अपने हिसाब से भी कृपा कर सकते हैं। उसको बोलते हैं अहेतुकी कृपा, यानी कॉजलेस मर्सी, उसका कोई कारण नहीं है, भगवान की इच्छा हुई तो भगवान ने मर्सी दे दी लोगों को। तो लेकिन वो रेयर चीज है, वो सबके साथ होना तो मुश्किल है। तो ज्यादातर चीजें हमारे जीवन में हमारे कर्मों के हिसाब से ही होती है, और रेयरली किसी पे भगवान की कृपा होती है। तो अगर हमें भी भगवान की कृपा चाहिए तो हमें अपने जो जीवन को उस हिसाब में ढालना पड़ेगा कि भगवान हमारे पे कृपा कर पाए। जब भगवान ये देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरे को पाना चाहता है, मेरे लिए इतना प्रयास करने को तैयार है, तो भगवान अपने आप ही, हमसे ज्यादा भगवान चाहते हैं कि हम उनके साइड आ जाएं। इस तरह है कि भगवान हमारे हम और भगवान साथ साथ खड़े हुए हैं, लेकिन भगवान हमारे साइड मुंह करके खड़े हैं और हम भगवान से दूसरे तरफ मुंह करके खड़े हैं। तो बस हमको मुड़ना है, तो ये मुड़ना ही हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है इस जीवन में, इस कंडीशन लाइफ में। भगवान की तरफ मुड़ना, हमको सिर्फ भगवान की तरफ मुड़ना है और भगवान हमारे लिए खड़े हुए हैं हमें गले लगाने के लिए, लेकिन ये मुड़ना ही इस भौतिक जगत में कलयुग में हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंडीशनिंग उस तरह की हो गई है, हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज अलग हो गई हैं। तो एक बार हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज को हमने सही कर लिया तब सब चीज आसान हो जाती है हमारे लिए, तब भगवान की कृपा भी होती है। ठीक है माता जी, श्रुति माता जी बोल रहे हैं प्रभु जी जब परेशानी होती है तो हम भगवान से ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब अच्छा समय होता है तो कहीं ना कहीं उतना समय नहीं देते, आध्यात्मिक एक फिक्स रूटीन ही रहे, ये कैसे करें? तो यहाँ ये प्रैक्टिकली काफी सारे बार होता है कि जब परेशानी होती तभी हम भगवान के पास ज्यादा जाते हैं, और जब अच्छा चलता रहता है तो भूल जाते हैं। तो यही हमारी सेल्फिशनेस है कि किस तरह हम भूल जाते हैं भगवान को, लेकिन एटलीस्ट हम परेशानी में जाते हैं उनके पास। तो जो भगवान बोलते हैं कि चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं और उनमें सुकृति रहती है तभी वो मेरे पास आते हैं। तो हम किस तरह इसको चेंज कर रहे हैं, तो फिक्स रूटीन के लिए आपको डेली प्रैक्टिस रखना पड़ेगा कि हाँ भगवान को इतना समय मुझको देना ही है, किसी भी हाल में मैं किसी भी कंडीशन में रहूं। हमारे कंडीशनल सेवा नहीं करनी है भगवान की हमें, कि अच्छा चल रहा है तो सेवा, जब बुरा हो रहा है तो मैं सेवा चालू कर दूं और अच्छा हो रहा है तो भूल जाऊं। तो हमको एक नियम बनाना ही पड़ेगा, थोड़े एफर्ट्स हमको अपने आप करने पड़ेंगे। शुरू में हमको थोड़ा तकलीफ भी होता है क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही उस तरह से है कि जब हमको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तभी हम भगवान के पास ज्यादा जाते हैं और जब अच्छा चलता रहता तो भूल जाते हैं। तो शुरू में हमको थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एक हैबिट डालनी पड़ेगी। आप देखेंगे कि अगर हमको नॉर्मली जीवन में भी अगर किसी को अपना वेट कम करना है तो उसको जिम जाने के लिए थोड़ी ऑस्टेरिटी करनी पड़ती है, इतनी आसानी से व्यक्ति नहीं जाता है, कई बार थोड़े दिन जाके छूट भी जाता है। लेकिन अगर उसको अपना जीवन सुधारना है, उसको अपना वेट कम करना है या फिट रहना है, तो उसके लिए उसको नियमित रूप से काम करना, शुरू में थोड़ा तपस्या जैसा करना ही पड़ता है। शुरू में थोड़ी तकलीफ होती है हमको, हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक नियम हमको बांधना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला कि जप करिए, जप शुरू करिए, कम से कम एक माला जप शुरू करिए, भगवान को आप भोजन अर्पण करना शुरू कीजिए, गीता पढ़िए, और जब एक हैबिट हो जाएगी कि एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतना टाइम तो भगवान के लिए ही फिक्स है। जिसने हमको सब कुछ दिया उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। सोचिए आप, आपके पास क्या चीज है ऐसी जो आपकी है? कुछ भी नहीं है। धरती भगवान की है, हवा जो हम अपने सांस से ले रहे हैं वो भगवान का दिया हुआ है, जो चीजों से हम अपना घर बनाने को बोलते हैं वो सारा रॉ मटेरियल किसका है? वो भी भगवान का है। और ये जो शरीर है वो भी भगवान के बनाई हुई दुनिया से, भौतिक जगत से, पंच महाभूत से बना हुआ है। आत्मा भी भगवान का ही एक अंश है। तो हमारे पास हमारा क्या है? उस भगवान के लिए हम टाइम नहीं देते हैं, ये तो बहुत ही मतलब विचित्र बात है। तो हमको एक टाइम सेट करना ही पड़ेगा रोज भगवान के लिए। और अभी अभी क्या होता है, शुरू में आपको थोड़ा प्रयास लगेगा और जब आप धीरे धीरे करना शुरू करेंगे उसके बाद आपको ये चीज आसान लगने लगेगी, क्योंकि धीरे धीरे भक्ति में आपका मन लगने लगेगा। जब आप डेली भगवान के साथ आपका रिश्ता बन जाएगा एक,
तब आप के लिए काम काम नहीं रहेगा। जैसे भगवान के भक्ति में भी चार तरह के लेवल होते हैं। सबसे पहले होता है फियर का लेवल, यानी हम डर के मारे भगवान की पूजा करते हैं। कि जैसे आपने देखा होगा कई बार कि कई लोग शनिदेव को शनिवार को जाते हैं, या इवन सत्यनारायण की पूजा करते करते हैं इस डर से कि भगवान नाराज ना हो जाए। और उसके अगला लेवल जो रहता है वो रहता है रिवार्ड का, यानी भगवान से हमको कुछ हासिल करना है तब हम उनके लिए कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं या पूजा करते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम। तो इससे फियर से थोड़ा ऊपर का लेवल है। उसके बाद अगला लेवल आता है ड्यूटी का लेवल। ड्यूटी का लेवल क्या है कि नहीं, मुझे भगवान की पूजा करनी है, कुछ भी हो जाए मैं मुझे करनी है, या मेरे परिवार में चली आ रही है, या मुझे अपने मन से मुझे भगवान की पूजा करनी ही करनी है डेली। ये ड्यूटी का है, ये रिवॉर्ड से एक लेवल ऊपर है। और उसके बाद चौथा लेवल है जो वो है भगवान से प्रेम का लेवल। जब आपको किसी ड्यूटी की वो नहीं है, किसी से डर नहीं है, भगवान से कुछ रिवॉर्ड नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमको ये लेवल्स पे जाना है। तो उसके लिए हमको कुछ समय निकालना पड़ेगा डेली, एटलीस्ट आधा घंटा एक घंटा जो भी आप दे सकें। और डेली आप जब वो करेंगे तब ये धीरे धीरे फिक्स रूटीन हो जाएगा। तो उसके लिए हमको एफर्ट थोड़ा सा डालना ही पड़ेंगे। और उन सब के लिए क्या जरूरी है, ए बी सी डी, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग और डाइट। ये सब होगा तो धीरे धीरे मन अपने आप लगने लगेगा। हरे कृष्णा, कोई और प्रश्न? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक छोटा क्वेश्चन है कि जैसे बताया कि कर्म और जी अकर्म, जितने भी अच्छे व्यक्ति के हैं कि जो पायस लोग हैं वो ज्यादातर कर्म करते रहते हैं। जैसे कि कर्म मतलब है कि जो शास्त्र में अनुमोदित है और प्रकृति के नियमों के अनुसार है। जी और जब जब हम भक्ति में आते हैं, जब थोड़ा थोड़ा समझते हैं, तो हम धीरे धीरे एबीसीडी को का पालन करते हैं। पर क्या होता है कि उनका शुरुआत है, तो हमको हम कैसे बैलेंस है, क्योंकि कर्म और अकर्म ये दोनों चलता रहता है, क्योंकि शुरुआत है ना। जी तो दोनों दोनों जगह ऐसा भी होता है कि रिचुअल्स हैं या तो हमारी परंपरा, जैसे कि कोई फैमिली की परंपरा में कुछ ऐसी चीज होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे माता जी की, मतलब माता जी हर 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 के घर हर के घर में कुल देवी जी होती है, तो और कुल देवी कुछ पूजा विधि वगैरह करनी पड़ती है। और दूसरा ये भी होता है कि ऐसा भी है कि सारे हवेली वाले भगवान की ही पूजा करते हैं, हो सकता है कुछ जी फैमिली मेंबर करते हैं, कुछ फैमिली नहीं करते हैं। जी जी तो उस समय जैसे कि कोई भक्त है, तो उसको उसको अच्छा अभी उसको दृढ़ विश्वास हो चुका है कि नहीं, भगवान की सर्वे सब पूर्ण कुशलम भगवान श्री कृष्णा है, और उनकी ही सेवा करनी है। अगर हम जी उनकी सेवा करेंगे तो सारे देवी देवताओं की सेवा हो जाएगी, और होती ही है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं, मान्यता नहीं है, हम शास्त्रों में देखते हैं, और वही एक शास्त्र में यही कहते हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तो सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे। तो फिर हमको जी अलग से और वही उसके आगे कहते हैं कि भगवान को फिर, तो फिर क्यों मैं अलग अलग देवी देवता की पूजा करूं, क्योंकि तो देवी देवता की पूजा करता हूँ तो मुझे कुछ फल की प्राप्ति होती है, और फल की प्राप्ति होती है तो मैं कर्म को बंद जाता हूँ। तो जी ये भक्त का मूड होता है कि नहीं, क्यों ना मैं फिर कर्म के बिना मैं सिर्फ अकर्म ही करूँ। जी पर कभी कभी क्या होता है कि फैमिली के बंधन होते हैं, तो मेरा ये सवाल कि कर्म और अकर्म में कितना बैलेंस रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए, जिससे पारिवारिक संबंध में सीधे राह पे चले, मतलब ऐसा ना हो कि सब कुछ टूट जाए, जी लड़की में ऐसा ना हो कि फिर आप अपने फैमिली वालों के साथ ही झगड़ा कर ले, क्योंकि हाँ सही बात है वो तो फिर भक्ति को और आपकी भक्ति और बिगड़ जाएगी, क्योंकि जी। आपने अपने क्योंकि आपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आप दूर चले गए, और आप तो भक्ति भी नहीं होगा हो पाएगी और कर्म भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कर्म में तो आपने तोड़ दिया। जी तो आप ये बताइए प्रभु जी कि कर्म और अकर्म किस तरह से बैलेंस करना चाहिए, जिससे हम कर्म भी, क्योंकि मैं ये नहीं समझता हूँ कि
मैं तो अपनी मैं अपनी खुद की बात ही कर रहा हूँ कि मैं अभी ये फेस कर रहा हूँ, तो कर्म और अकर्म को कितना बैलेंस करना है जिससे मैं अपनी भक्ति को भी सुदृढ़ मतलब सुदृढ़ रख सकूँ और उसमें आगे बढ़ता रहूँ, और साथ साथ में जो मुझे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रिचुअल्स हैं, उसको भी मैं धीरे धीरे करता रहूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे आई एम नॉट इग्नोरिंग, जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इवन दो अगर ही यूज टू मतलब वो जब भी भगवान शिव के टेम्पल में जाते थे उन्हें देखते थे तो तुरंत उनको दोनों प्रणाम करते थे, मतलब ये वो देख वो कहना चाहते थे कि ऐसा नहीं कि हमको किसी भी देवी देवता को देवी देवताओं को इग्नोर करना है, मतलब उनको दूर करना है अपने जीवन से, वो तो है ही क्योंकि वो देवी देवता भी भगवान कृष्ण की भक्ति है जी। तो हमें अगर वो, तो मेरा ये प्रश्न है कि कैसे मैं इसको बैलेंस करूं। हाँ, तो जिस तरह से आपने बताया, कुछ आंसर आपने खुद ही दे दिया कि हमें किसी देवी देवता का कभी अपमान नहीं करना है क्योंकि वो बहुत महान आत्मा है, उन्होंने वो पद प्राप्त करने के लिए इतने काम किए हैं, इतने पुण्य कर्म किए हैं और भगवान के प्रिय भी हैं, तो हमें कभी किसी देवी देवता का अपमान नहीं करना है। अगर फैमिली में कुछ ऐसा रिचुअल हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं करना है, वो आप कर रहे हैं, आप उसमें पार्ट लीजिए, किस कॉन्शियसनेस से लीजिए कि यहाँ पे वो लोग भगवान के एक भक्त के उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, आप उस कॉन्शियसनेस से कर सकते हैं कि वो भगवान के भक्त हैं और आप उनके थ्रू आप भगवान को अपना एक आदर दे सकते हैं। और देखिए जब एक भक्त होता है उसकी लाइफ में उसका जो भी काम करता है वो, अगर उसका कॉन्शियसनेस ये रहे कि मैं जो अपनी जॉब कर रहा हूँ या अपने परिवार का जो भी भरण पोषण करने के लिए कार्य कर रहा हूँ वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये सब भी कृष्ण के ही एक अंश हैं और इन सब की जिम्मेदारी मुझे भगवान ने दी है, जो मेरे बच्चे हैं या जो मेरी वाइफ हैं, जो मेरे माता पिता हैं, ये सब कृष्ण के अंश हैं और इन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और कृष्ण को आप सेंटर बना के अपने सारे कार्य करिए कि हाँ कृष्ण ने मुझे इन सब का जिम्मेदारी सौंपी है, इनके लिए मुझे बाहर जाके काम करना है, मैं इसलिए वो काम करने जा रहा हूँ, कृष्ण की आज्ञा से ही मैं काम करने जा रहा हूँ, आप अपना काम करिए, तो उस काम में भी आपको जो कर्म फल है वो आपको नहीं लगेगा क्योंकि भगवान को मालूम है कि यह व्यक्ति की जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो हमेशा मेरे बारे में सोचता है और ये जो भी कार्य कर रहा है वो अपने मेरे और जो अंश है उनके पास उनको इसकी ज्ञान है कि वो मेरे ही अंशों का अच्छे से मैंने उनको जिम्मेदारी दिया है उनका भरण पोषण करने के लिए, तो आपके जो जो, जो कर्म भी हैं वो भी अकर्म में चेंज हो जाते हैं और धीरे धीरे आप अपने फैमिली को थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं इस बारे में, उनको आप ये मत बोलिए, उनको कोई काम करने से मना नहीं कीजिए, उनको भी एक बोलिए कि आप ये जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए, एडिशनली एक चीज ये भी जोड़ लीजिए। से कई बार भक्त बोलते हैं कि हम इस मंत्र का जाप करते हैं, नए जो भक्त आते हैं हम उस मंत्र का जाप करते हैं, तो कभी भी हम लोग उनको ये नहीं बोलते कि आप ये मत करिए, केवल हरि नाम कीजिए, ऐसा नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं लेकिन साथ में आप हरि नाम भी कर लीजिए, इससे आपको बहुत शांति मिलेगी, आपको बहुत हृदय शुद्ध होता है इसके साथ, तो आप इसको सिर्फ जोड़ लीजिए और जब वो धीरे धीरे इन चीजों के साथ जुड़ जाएंगे, एक बार आप उनको प्रसाद खिलाइए, आप उनके सामने कुछ कीर्तन लगा दीजिए, तो कोई ऐसा मना तो नहीं करेगा कि कीर्तन क्यों चलाया, तो धीरे धीरे वो सब चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है और हमारी जो कॉन्शियसनेस लेवल है हमको ये समझना चाहिए कि मैं जो भी इस संसार में कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ, मैं भरण पोषण जब परिवार का अच्छे से रहेगा तो मैं और अच्छे से भक्ति कर सकता हूँ। इस तरह से जब हम अपने सारे कार्य में भगवान को याद करके और उनके फलों को भगवान को ही अर्पण करना चाहते हैं, तब ये जो हमारे जो भौतिक कार्य हैं वो भी धीरे धीरे कर्म कर्म से अकर्म में चेंज होते जाते हैं। तो इस तरह से जब हम इस कॉन्शियसनेस में काम करेंगे तो अब हमको ये बैलेंस अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। प्रभु जी एक जी और सवाल है, जी। अगर कोई मासूम बच्चे हैं, जैसे हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के अंदर के बच्चे हैं, हम उनसे कोई कार्य करवाते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं, तुलसी को पानी दिलाते हैं, वही पर उनको नहीं मालूम है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ मम्मी ने बोला है इसीलिए वो करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं,
तो उनका कैसे हिसाब होता है, उनको भी इस पुण्य कर्म में जोड़ा, ये जुड़ता है उनका भी ये? जैसे मैंने बताया कि भगवान की भक्ति का कोई जो भी कार्य है वो पुण्य कर्म में नहीं आता, वो अकर्म में आता है। और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका कुछ सर्टेन एज लेवल है, 8 साल या 10 साल, तब तक उनका कोई कर्म भी जनरेट नहीं होता। तो कोई कर्म जनरेट नहीं होता है उनका। एक पुराणों में कथा भी आती है, एक ऋषि थे और एक बार उनको बहुत ज्यादा हो गया। अब जो बाकी लोग ड्रॉप करना चाहते हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं, माता जी के प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूंगा, बाकी लोग अगर जाना चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। कल हमारा सेशन जो होगा वो प्रकृति के ऊपर होगा। तो माता जी, मैं आपको बता रहा था कि एक ऋषि थे और वो ऋषियों को एक बार ऐसा हुआ कि किसी राजा ने उनको, वहां पे एक चोरी हो गई थी और उस चोर ने ऋषि के आश्रम में कुछ रख दिया और ऋषि के आश्रम में रख के वो भाग गए चोर। और राजा ने जब सिपाहियों ने उन देखा आश्रम में, तो उनको चोरी का सामान मिल गया और ऋषि को पकड़ के ले गए और ऋषि को सूली पे चढ़ाया गया। तो सूली पे जिनको चढ़ाया जाता है उनको बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा टॉर्चर एक रहता है। तो जब बाद में पता चला कि वो ऐसा ऋषि ने चोरी नहीं करी, तब उनको छोड़ दिया गया। तब ऋषि ने सोचा कि ये किस तरह से ये काम हुआ था, शायद उनकी मृत्यु हो गई या उनको छोड़ दिया गया, मुझे सही से भूल जा रहा हूँ। जब वो तो उन्होंने यमराज के पास जाने का निश्चय किया और यमराज से उन्होंने ये सवाल भी किया कि मुझे ऐसा क्यों भोगना पड़ा, आप बताइए, आप तो मतलब धर्मराज हैं, मतलब उनको सब पता रहता है। तो यमराज ने बोला कि आप जब बचपन में आपने आप जो चींटी रहते हैं, चींटों को आप सुई से मारते थे, इसीलिए आपका ये कर्म फल आपको भोगना पड़ा। तो वो ऋषि ने बहुत उनको नाराज हुए और उन्होंने बोला कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कभी भी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, इतनी सर्टेन एज तक, 8 साल या 10 साल वो बताते हैं, 8 साल शायद से। तो बच्चों के लिए कोई कर्म फल नहीं होता, उसके लिए यमराज को उन्होंने श्राप भी दिया था। तो बच्चों के लिए कोई कर्म फल इस एज तक नहीं होता है, लेकिन भक्ति के लिए ऐसा कोई एज नहीं है। प्रहलाद महाराज जब 5 वर्ष के थे तब से वो अपने जो भी उनके मित्र थे उनको वो शिक्षा देते थे कि भगवान का नाम लेना चाहिए। और 5 साल तो बहुत देर हो गई है, क्योंकि हमारा बुद्धि जो था अभी थोड़ा बुद्धि आया, बोलना आया है हमको, तो 5 साल हमारे ऑलरेडी वेस्ट हो गए, हमको और वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बच्चों से हमको कराना चाहिए ये कार्य, क्योंकि बच्चे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं सब चीजें। जब बड़े हो जाएंगे तो फिर आप जब सिखाएंगे उनको तब वो उतनी आसानी से, एक बार टीन एज में आ गए तो फिर थोड़े से वो उनका नेचर थोड़ा चेंज हो जाता है, रेबेलियस नेचर हो जाता है, फिर वो बोलते हैं ये क्यों करूँ वो क्यों करूँ। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो आसानी से सीख लेते हैं। मेरी भी जो बच्ची है छोटी, 3 साल की, 2 साल की सॉरी, तो वो आसानी से अभी वो पीछे पीछे बोलती है, जब सुबह आरती होती है नरसिम्हा आरती बोलती है, हरे कृष्णा भी बोलती है। तो बच्चे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और धीरे धीरे उनका सेकंड नेचर बन जाता है सब चीजों का। तो बच्चों को आप ये करने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ, माता जी ने बताया मांडव्य ऋषि थे वो, सही नाम मुझे याद नहीं आया था। सो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे, आज काफी थोड़ा लेट हो गया, माफी चाहता हूँ मैं। और रिकॉर्डिंग्स हेमा माता जी, मैं आपको ग्रुप में ऐड करके रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा। सुरेंद्र प्रभु ने भी एक नंबर दिया है, ओके ठीक है प्रभु जी, मैं आपको ऐड कर लूंगा। ठीक है, आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरी बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी।